तो इसी के साथ अभी लॉबी टू फाइनल्स का मैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर सभी टीम्स आ चुकी हैं। पहले हम लोग एक एसएस ले लेंगे ताकि भाई रिजल्ट बनाने में दिक्कत ना हो, जब तक इन लोगों को चैट में करने दो जो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है आज तो भाई। सभी टीमों ने अपना अपना हैशटैग टीम नेम लगाया है चैट में। चलो इसी के साथ गए हम लोग लॉबी वन बरमूडा के मैदान पर अपना पहला मैच स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कौन कौन है भाई लाइव पर? अनुराग भाई ब्लाइंड डिसीजन, अरे अनुराग स्काउट भाई, क्या रैम्बो भाई आज मजे लिए जा रहे हैं यार। ऊपर से गरीना के सस्ते गिलिच भाई, किसकी आवाज आ रही है ये मुझे? रेड बॉल पी स्पोर्ट, ये बात आरसी स्पोर्ट टीम मैच, मेरे साथ अन्य हुआ, अन्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ भाई तुम्हारे साथ? क्या अन्याय हो गया भाई तुम्हारे साथ? ओके पहला होते होते 10 लाइक हो चुके हैं, बाकी सेकंड मैच तक भाई 30 लाइक तो कम से कम करा देना। ओए नू पैसे दे मेरे को, अबे पहले जाके स्ट्रीम शेयर करो, स्ट्रीम शेयर करो जाके। चलो चलो गाइस इसी के साथ हम लोग अब मैच की तरफ बढ़ेंगे। पहले स्लॉट में जो हमारी टीम है वो सरकार स्पोर्ट्स, अभी मिश्रा जयवीर कैप्टन सनस के साथ, जिन्होंने अभी तक लैंड तो नहीं किया है। हमारी है फोर डिस्ट्रॉयर्स, इमोजी राठौर सुबर्नो और किंग के साथ हमारे यहाँ पर कूदते हुए केप टाउन के ऊपर एक स्क्वाड पहले से यहाँ पर लैंड कर रही है। एन जी एक्स आई स्पोर्ट्स के चारों प्लेयर अभी तक लैंड नहीं किए हैं। एंड ब्लाइंड असिस्टेंट स्काउट रैम्बो जोकर एंड ब्लिजर्ड के साथ सभी के सभी पीक के ऊपर पेड, अरे पेड हटो पेड, पहले तुम वो शेयर करो स्ट्रीम को। ओके जी रेवल्यूशन टी पी राज सबदा निजाकू एंड इग्नाइट के साथ कार्टलिस्टा के ऊपर एंड बाकी के प्लेयर्स बीमा शक्ति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम रुतलेज हमारी यहाँ पर ग्रेवयार्ड से बुलजाए के बीच में, केजी स्पोर्ट्स, ओके केजी स्पोर्ट्स का उतरते ही देखते ही देखते गॉड को तो भाई डाउन करके फिनिश आउट कर देगा रैम्बो के द्वारा, क्या बात है। ब्लाइंड असिस्टेंस वर्सेस केजी स्पोर्ट्स हो चुका है, ब्लाइंड वर्सेस केजी हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर होमर फूटा गया गाइस, यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर आता हुआ दो बंदों का रश डबल बैक करके एक बंदे को हाइड्रा ने यहाँ पे डाउन कर दिया, लेकिन गाइस दूसरे बंदे के बाद डबल बैक टेन दूसरे बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया यहाँ पे हाइड्रा ने ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई मार देंगे लग रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पे इसी के साथ रैम्बो के द्वारा डबल वेक्टर के साथ यहाँ पे हाइड्रा को फिनिश आउट कर दिया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं केजी वासु दूर लैंड किए थे एंड संजू को भी बहुत दूर भेजा इन लोगों ने, तो रिवाइव तो मिल सकता है दोबारा से, लेकिन यहाँ पे यूए भी आ गया थोड़ा सा भाई, स्पॉट कर लिया जाएगा ब्लाइंड एसोसिएशन के द्वारा, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। क्या बोलती कंपनी? हेलो आइकॉनिक भाई क्या चाल, देखते हैं ब्लाइंड आ रही है क्या इधर की साइड। ओहो स्काउट बहुत डैमेज खा के बैठे हैं। यस 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 रैम्बो जा तो रहे हैं, वासु की तरफ बढ़ रहे हैं रैम्बो यहाँ से। मैंने गलत बोला था ना, वहाँ पे डबल वेक्टर साइज से जोकर भाई के पास थी, सॉरी गाइस ठीक है गलती हो गई, ये ना डबल वेक्टर जो था वो जोकर भाई के पास था शायद से, वो रैम्बो नाम आया मैंने थोड़ा सा गलती कर दी भाई। विनिंग टीम को कितना पीपी ब्रो? फर्स्ट प्राइस 500, सेकंड प्राइस 250, थर्ड प्राइस 150 एंड फोर्थ प्राइस 100, समझ रहे हो ना। ओके ब्लाइंड असिस्टेंस के प्लेयर आगे वासु की तरफ बढ़ रहे हैं, वासु की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे के पूरे ब्लाइंड असिस्टेंस, और यहीं पर संजू भी थे तो हम लोग एक बार संजू की तरफ देखें तो वो तो पहुंच गए भाई वहां पर, लेकिन वासु के ऊपर रश आ गया चार बंदों का नेड यहां पे डाला है वासु ने अल्टीमेट लॉन्चर्स में यहां पे मारते हुए वासु एंड संजू को वहां पे डाउन कर देगा वासु। के जी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं अकेले बचे हैं यहां पर, के जी स्पोर्ट्स बॉटम ऑफ द, ओहो क्या बात है भाई रैम्बो एंड एक और प्लेयर को ब्लाइंड असिस्टेंस की कंजूर भाई वासु ने क्या ही यहां पे डाउन किया एंड फिनिश आउट एक को ले लिया, लेकिन यहां पे वासु की 3 की HP सामने, एक और बंदा यहां पे रश करता हुआ वहां पे रिवाइव मिल जाएगा जोकर भाई ने यहां पे रश किया। एंड इसी के साथ गाइस के जी स्पोर्ट्स ब्लाइंड असिस्टेंस के द्वारा बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो चुकी है एंड एक और टीम यहां पर एलिमिनेट कर दी गई फोर डिस्ट्रॉयर्स, क्या बात है भाई। फाइनल्स के मैच के अंदर यहाँ पे दो टीमों को स्टार्टिंग में ही भाई बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया है एंड यहाँ पर एक टीम और
आरसी स्पोर्ट टीम एच का जो प्लेयर आदित्य अकेले बचा हुआ है उसकी जो टीम है उसके भी तीन प्लेयर को यहाँ पर बाहर पहुँचा दिया गया। रैम्बो भाई लीजेंड, अरे है रैम्बो भाई के फैंस यूनिक डूड। ब्रो आप का इन गेम नेम क्या है जरा मैं जान सकता हूँ? अपन डेली आता है लाइव पर। ओहो दा बॉयज़ भी थोड़ा सा खतरे में नज़र आएगी गाइज हम लोगों को। एजेंट संजू जो हैं अकेले बचे अपनी टीम से। एंड गाइज भाई आज ना कमेंट्री में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो भाई थोड़ा सा झेल लो, फिर से सही करेंगे हम लोग। अब बैक टू बैक जाएंगे जब दोबारा, पहले से ख़राब है वो अलग बात है, इतना भी ख़राब नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कास्टिंग इतना भी ख़राब नहीं है, ठीक है थोड़ा सा। बाकी वहाँ पे रैम्बो भाई को हमारे फिनिश आउट कर दिया गया है। स्काउट जोकर ब्लिजर्ड बचे हुए हैं। जोकर भाई हमारा गेम प्ले काफ़ी नेक्स्ट लेवल दिखा रहे हैं भाई आजकल, और शायद से IGL भी बन चुके हैं ना वो, कोई बोला था गॉडफादर। ये बात गॉडफादर कोई ना होता है। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आज, पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े दिनों बाद ऐसी मिस्टेक हो रही है, पर कोई बात नहीं फिर से हम वापस आएंगे। और किसी भी टीम की यहाँ फाइट नहीं चल रही। एक बार रेड वुल्फ को देखते हैं, रेड वुल्फ ने आज उतरते ही फाइट नहीं ली। ओहो रेड वुल्फ के पास आई थिंक बंदा था यहाँ पे, मैंने एक बंदे को देखा था। हाँ आदित्य है, नहीं ये तो मार्स इलेक्ट्रिक पहुँच गया। ओके शेयर हो रही है स्ट्रीम, शेयर हो रही है अपनी। अब स्ट्रीम पर भाई पब्लिक आनी चाहिए। कल सावरतूत कैसा खेली भाई? लूफी भाई एक नंबर, सावरतूत ने कल लॉबी डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, लिटरली सावरतूत ने वहां पर लॉबी डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड टीम रुथलेस ने भी यहां पे स्टार्टिंग में 4 किल ले लिया। कहीं ना कहीं टीम रुथलेस ने स्लॉट 2 मींस 4 डिस्ट्रॉयर्स को फिनिश किया है। एंड रेड बुल वी स्पोर्ट्स के पहाड़ी टाइगर सोहेल प्रथम सभी के सभी मास सेलेक्ट की तरफ बढ़ते हुए। एक ही प्लेयर था उधर, एंड वो प्लेयर कौन था उसकी तरफ एक बार हम लोग देखें तो आदित्य। ओके आदित्य को बच जाएंगे, आदित्य इजीली बच जाएंगे, ये लोग स्पॉट नहीं कर पाएंगे आदित्य को। एंड कोई और टीम तो नहीं है? यस सभी प्लेयर्स यहाँ पर से सेफ हैं अभी तो। ओके स्लॉट 9 4H की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। स्लॉट 9 का नेम क्या है भाई? मैं भूल जाता इनका नेम, बस भूल जाता, बाकी सबका नाम मुझे याद है इसमें, इस लॉबी में मेरे को सबका नाम याद है। एक बार मैं स्लॉट 9 का नेम चेक कर लेता भाई, ठीक है 4H स्पोर्ट्स ही है भाई। उस दिन इन लोगों के टीम से यूबी के सारे प्लेयर खेल रहे थे तो मेरे को लगा भाई यूबी फ्लिक शॉट तो भाई मेरे को लगा कि कोई यूबी स्पोर्ट्स है, बट नहीं जी रेवोल्यूशन टीपी की वहाँ पे फाइट होती हुई, एंड सामने कौन सी टीम नज़र आएगी हम लोगों को? जी एक्स आई स्पोर्ट्स वर्सेस जी रेवोल्यूशन टीपी। एंड यूके को फिनिश आउट कर भी दिया गया, वहाँ पे रैम्बो को रिवाइव भी मिल गया भाई। ग्रैंड फाइनल में कितना लॉबी है? एक ही लॉबी है ट्रॉपर तनवीर भाई, एक लॉबी है 12 टीम, एंड टॉप 4 को प्राइज मिल जाएगा। सॉरी भाई मेरी वजह से पूरी केजी हक दी, मैं उतरने में गलती कर दिया। कोई बात ना होता है, लेकिन यहाँ पर किल्स आ रहे हैं क्या? ओके पहाड़ी भाई ने आते हैं यहाँ पे, एक बंदे को फिनिश आउट कर दिया। यूबी सरकार, ओहो यूबी 4H की टीम यहीं पर थी लेकिन प्लेयर्स यहाँ से निकल चुके हैं, एक प्लेयर अकेला यहाँ करके। ओहो फ्लिक शॉट ने यहाँ पे डबल स्नाइपर से एक बंदे को डाउन कर दिया। SM सुपरमैन आज भी नहीं आया नोटिफिकेशन। ये तुम संजू भाई तुम अपना फ़ोन दीवार में फेंक के मारो साला, मेरा नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, बड़े हरामी। ओहो यहाँ फाइट होती हुई 4H संजू के द्वारा, वहाँ पे एक बंदे को डाउन करके फिनिश आउट कर देगा। SM के 2 प्लेयर यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं। इताता पीछे से निकल रहे हैं, इताता पीछे से निकल जाएंगे, नहीं निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि 4H e-sports के जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे बहुत अंधा रश मार रहे हैं। ओहो संजू ने स्पॉट भी कर लिया, 100 का डैमेज भी दिया है। यहाँ पर रश करेंगे नहीं,
यहीं से डैमेज देते जा रहे हैं। यस गाइस, एसएम का एक और प्लेयर वहां पे डाउन कर दिया गया है। नितात्ता कहीं ना कहीं अकेले बचे हुए हैं, काफ़ी दूर भी निकल चुके हैं। अपनी टीम को रिवाइव देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होगा भाई अपनी टीम को रिवाइव देने के लिए, क्योंकि सही देखा जाए तो हर जगह से टीम आ रही होगी अभी जोन कवर करने के लिए। नितात्ता ने यहाँ से लॉन्च पैड लेंगे, नहीं सॉरी लॉन्च पैड कॉल लिख रहा है। वाह, ड्रॉप की बत्ती जल रही थी ना अभी शायद से, ना 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 क्या लिख रहे हो? हाँ मैं पता नहीं क्या है आज तो खेक रहा आपका, इसलिए पता चला लाइव। गुड जॉब, मेरे भी नहीं आया तो वो तो वाईटी खोला तो टॉप पर आते, ये बात आइकॉनिक भाई। ओके, रेड वुल्फ स्पोर्ट्स 2 किल लेके आगे बढ़ते हुए ये भी पहाड़ी सोहेल 55 के साथ। एंड गाइस 11 की वॉचिंग चल रही है, जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो भाई, 13 लाइक्स हुए हैं बस। इस मैच को ख़त्म होने से पहले कम से कम 25-30 लाइक्स तो हो जाने चाहिए यार। सभी टीम्स के सपोर्टर होते हैं भाई, सपोर्टर बुलाओ अपने अपने टीम से, सिर्फ 2 सपोर्टर बुला लो भाई, बहुत होता है इतना तो। और सबका एक भी होगा तो भी भाई 100 के बराबर होता है, तो बुला लो सबको। लाइक नहीं डिसलाइक बोला करो। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है संजू भाई, क्या बात है। ये बात गाइस, यहाँ पे आरसी स्पोर्ट टीम एच के प्लेयर्स आते हुए नदित्य वहाँ पे डाउन कर दिए गए प्ले जोन से ही। एंड सिंजो कहीं ना कहीं अकेले बचे अपनी टीम से। और सिंजो भाई नुबड़े, तूने झूठ बोला मेरे से, स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आ गया कहते जल्दी, या तेरी आईडी से कोई और ही खेलना लग रहा। यस गाइस, आरसी स्पोर्ट टीम में से सिर्फ और सिर्फ सिंजो अकेले बचे हैं, हम लोग इनको छोड़ के आगे की तरफ देखते हैं। रेड वुल्फ स्पोर्ट, ओके प्रथम ने गाइस सिंजो को भी शायद से फ्रेश आउट कर दिया। यस, देखते ही देखते आरसी स्पोर्ट टीम मैच को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया। यूनिक चीज़ें करो, क्या यूनिक करना है बताओ संजू भाई, यूनिक क्या करना है बताओ, वही करने लगेंगे। ओके, यहाँ पर टीम रुथलेस ने गाइस यहाँ पर रेड बुल स्पोर्ट्स पे कर दिया है फायर भाई। एंड यहाँ पर भाई फाइट हो गई है, बहुत तगड़ी घमासान युद्ध चलने वाला है। रेड बुल स्पोर्ट्स थोड़ा सा कवर में, लेकिन टीम रुथलेस यहाँ ओपन में फायर दे रही है, थोड़ी सी गलती हो सकती है। टी आर माइकी ने लेकिन वहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया, टी आर माइकी ने एक बंदे को डाउन कर दिया, सेकंड बंदे में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज। यहाँ पे भाई M60 से क्या ही डैमेज दे रहा टी आर मैकी। एंड बाकी के प्लेयर्स वहाँ पे रश करते हुए हैं। डेनवर लॉजेट, डेनवर ने यहाँ पे मेल्टर का यूज़ किया है ग्लूबल फोड़ने के लिए। एंड डेनवर आगे बढ़ेंगे, सामने उनके एक बंदा वहाँ पे डाउन कर देगा, एक और बंदा वहाँ पे डाउन कर देगा, कहीं ना कहीं रेड बुल स्पोर्ट्स को यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा। एक ही प्लेयर उनकी टीम से बचा होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई, पिकाचू लॉजेट को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। सोहेल अकेले बचे हुए हैं, यहाँ पे 1v2 निकाल सकते हैं अगर ऊपर रश मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ओके सोहेल के द्वारा एक बंदे को डाउन कर दिया गया। यहाँ पर रश होता हुआ सोहेल के ऊपर, 2 बंदे को, और गाइस देखते ही देखते यहाँ पे माइकी के द्वारा यहाँ पर रेड बुल स्पोर्ट्स को भी फिनिश आउट करके बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दे। कहीं ना कहीं बहुत कम पॉइंट्स के साथ गई है, लेकिन अभी भी मैच में वापसी कर सकते हैं। यहाँ पे टी आर माइकी के ऊपर हो चुका है रश, 3 बंदों का ऊपर से 3 बंदे आ रहे थे, हम लोगों ने देखा, एक और बंदा उनके सामने, एक बंदा उनका डाउन भी कर देगा। लोजेट माइकी आगे बढ़ते हुए 2 बंदों ने उनके ऊपर जो फायर दिया भाई, सरकार स्पोर्ट्स ये टीम भाई, क्या बोलूँ इस टीम के बारे में। इस टीम ने भाई जो पिछली बार मचाया था ना मैच के अंदर, लिटरली भाई नेक्स्ट लेवल। एंड अभी भी इतना ज़्यादा डोमिनेशन दे रही है ना, लेकिन वहाँ पे जयवीर को डाउन कर दिया गया। अभी मिश्रा के सामने बंदा गाइस, अभी मिश्रा का गेम पे नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ डेनवर को भी फिनिश आउट कर दिया, टीम रुथलेस को भी बैक टू लॉबी पहुँचा दिया भाई। सरकार स्पोर्ट्स रुकती नहीं है, हर जगह मारते हुए निकलती है। आज भी देखते हैं इनका गेम प्ले कितना ज़्यादा डोमिनेशन वाला होने वाला है, क्योंकि अभी भी इनके खाते में 8 किल हैं एंड अभी 17 प्लेयर्स बचे हुए हैं। कम से कम अगर इन लोगों ने बुया किया तो 15 किल बुया तो हो गई होगा। क्या भाई मैच ख़त्म होने के बाद एक प्रैक्टिस कस्टम बनाना प्लीज़। ठीक है बना देंगे, यूनिक डूड बना देंगे ब्रो। हेलो सरकार भाई, क्या हालचाल, लाइव में को घोड़ी बनाया कर। वाह, क्या बात है, क्या गंदी बातें कर रहे हो तुम। गाइस सनस जो हमारे नेक्स्ट लेवल प्लेयर यहाँ पर 5 के एचपी से बचे हैं। जीएक्स स्पोर्ट्स की भी वहाँ पे फाइट चलती हुई, पहले जयवीर को देखते हैं, जयवीर को यहाँ पे डाउन कर दिया गया।
रिवाइव तो मिल जाएगा, लेकिन पीछे से जो नेड आ रहे हैं ना भाई, सरकार स्पोर्ट्स जयवीर अगेन डाउन होगा, यहाँ पे जयवीर का बचना मुश्किल। एक और प्लेयर जयवीर के साथ सनस को भी डाउन कर दिया गया, टीए कैप्टन भी यहाँ पे नेड करते हुए। अभी मिश्रा ने अपने एक प्लेयर को रिवाइव दिया, लेकिन रश हो चुका है अभी मिश्रा के ऊपर। बी एस काउट ब्लाइंड असिस्टेंस सरकार स्पोर्ट वर्सेस ब्लाइंड असिस्टेंस बी एस काउट के द्वारा जयवीर को वहाँ पर रिश आउट कर दिया, टीए कैप्टन के सामने बंदा। अभी मिश्रा को यहाँ पे रैमो भाई के द्वारा डाउन कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार स्पोर्ट यहाँ पे खतरे में होने वाली है। टीए कैप्टन अकेले बच्चे अपनी टीम से, 1v3 सिचुएशन, 1v3 नहीं भाई 1v2 रैम्बो भाई के द्वारा है। यहाँ पे सरकार स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी पहुंचा दिया। क्या ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले बाय लाइंड असिस्टेंस भाई। मैच के बाद होने के बाद भाई क्या ही इंटेंस गेम प्ले चलता हुआ भाई। लिटरली कोई भी टीम मौका नहीं छोड़ रही ग्रैंड फाइनल जाने का, एंड किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। 2v4 है GXI वर्सेस ब्लाइंड असिस्टेंस। एक बंदे को ईयर ने यहाँ पे स्पॉट तो किया है, लेकिन इनका एक बंदा यहाँ पे ऑफलाइन है। कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होने वाली है GXI को, का जो एक प्लेयर ऑफलाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है इनको। हम लोग एक बार इस वाले एंगल से देखते हैं, क्योंकि जो फायर आ रहा है ऊपर से आ रहा है ब्लिज़र्ड भाई, यहाँ पे कंटिन्यूसली फायर देते हुए सामने वाले बंदों के ऊपर। सामने एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट करके काफ़ी ज़्यादा ग्लू बॉल्स फोड़ दी जा रही है यहाँ पे ब्लिज़र्ड भाई के द्वारा। रैम्बो भाई थोड़ा साइड से फायर दे रहे हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया एंगल लेके फायर देने वाले बंदे हैं। एंड रैम्बो भाई बैक टू बैक फायर यहाँ पे, एक प्लीज बैंक फेंका जरूर है ग्लू बॉल ब्रेक करते हुए, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर रश कर रहा है। तो भाई देखते हैं यहाँ पे 1v1 होने वाला है, क्योंकि सामने से एक ही बंदा आ रहा है अभी तो, लेकिन वो भी वापस गया। एंड क्या ही हेड शॉट भाई, लॉन्ग में भी हेड ही दे रहे हैं, बॉडी तो देने का मन ही नहीं है, ऐसे ड्रैग मार रहे हैं कि भाई क्या ही बोलो। एंड ब्लाइंड असिस्टेंस यहाँ पे बुया ले सकती है, यहाँ पे सामने एक ही बंदा बचा है, ईयर शायद से, ईयर 1v2 हो सकता है क्या स्नाइपर के साथ यहाँ पे 1v2 ईयर का। ओके गाइस ब्लिज़र्ड भाई के द्वारा इसको भी चाहिए, एंड ब्लाइंड असिस्टेंस ले लिया है। बुया 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 दिस साइड सावरतुत, यस ब्रो सावरतुत भाई क्या हाल चाल, तुषार कहाँ है चैट देखना। अरे ब्रो हाँ देख रहा है, आप बोलो। सरकार जी नमस्ते, सॉरी ब्रो अभी देखा। इसका ग्रैंड फाइनल्स कब होगा बता देंगे लूपी भाई, अभी बता देंगे आपको, कल देखते हैं, मैं टीम से पूछ के बताऊंगा इस बार, क्योंकि हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि करें कल ही या फिर एक दो दिन में। चलो SS हम लोगों ने 7-10-11 किल के साथ यहाँ पे ब्लाइंड असिस्टेंस ले लिया है। बुया बुया बुया। एंड सेकंड पे जो टीम आई है GXI स्पोर्ट्स 7 किल के साथ सेकंड पोजीशन, सरकार स्पोर्ट्स 11 किल के साथ थर्ड पोजीशन, जी रेवोल्यूशन टीपी 4 किल के साथ फोर्थ पोजीशन। एंड ये जो स्लॉट 12 की टीम है वो कौन सी है, टीम का नाम तो यार भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, 5 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन। एंड सिक्स पे जो टीम है 4-3-7-2-9 किल के साथ यहाँ पे सिक्स पोजीशन ले लिया टीम रुथलेस ने। दा बॉयज 1 किल के साथ 7 पोजीशन, रेड बुल टी स्पोर्ट 3 किल के साथ 8 पोजीशन, 4 किल के साथ 4H ई स्पोर्ट्स 9 पोजीशन, RC स्पोर्ट टीम H 1 किल के साथ 10 पोजीशन, KG स्पोर्ट्स ऑफिशियल 1 किल के साथ 11 पोजीशन। एंड ये कौन सी टीम है, 4 डिस्ट्रॉयर्स 0 किल के साथ बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट। हेलो एवरीवन, मैं शीत वाह भाई क्या पागल है, चलो गाइस इसी के साथ हमारा लॉबी टू फाइनल्स का सेकंड मैच स्टार्ट होता हुआ बरमूडा के मैदान के ऊपर। इसको पिन करो, अच्छा इसको पिन करना है, ये कौन से चैनल से देख रहे हैं भाई हम लाइव, भाई अपने चैनल से देख रहे हैं तब भी पिन नहीं हो रहा, जब पिन हो रखा है ना। कल कर लो ग्रैंड फाइनल, ठीक है तनवीर भाई करते हैं ट्राई करते हैं, क्या बात है। कल तो ब्लाइंड असिस्टेंस में भी ग्रैंड फाइनल है, टाइम क्लैश ना हो ऐसे करना। अरे नहीं ब्रो लूफी भाई क्लैश नहीं हो सकता भाई, उनका और मेरा टाइम बहुत डिफरेंट है, हम लोग दिन में कराते हैं और वो लोग शाम को कराते हैं, तो बिल्कुल भी क्लैश नहीं होगा उसका, आप टेंशन मत लो। हम लोग टाइमिंग दिन का है, उनका टाइमिंग रात का है, तो समझ रहे हो ना, मैं खुद भी तो आता हूँ भाई उनकी लाइफ पर।
चलो गाइस सेकंड मैच ब्रेकर्स कप 3 फाइनल्स लॉबी 2 सेकंड मैच प्रगति के मैदान पर स्टार्ट हो चुका है। सरकारी स्पोर्ट्स अभी तक लैंड नहीं किया है सेकंड स्लॉट से। फोर डिस्ट्रॉयर्स इन्होंने भी अभी तक लैंडिंग नहीं किया। जी एक्स आई स्पोर्ट्स ने यहाँ पर ले लिया ब्राज़ील के ऊपर लैंडिंग एंड ब्लाइंड असिस्टेंस स्मूथ हाउस जाती है वहीं पर जा रही है। जी रेवल्यूशन टी पी मार्वल वर्क्स पे उतरेगी क्या अभी तक लैंड नहीं किया। टीम रुथलेस ने यहाँ पे केम्स आउट के ऊपर लैंड ले लिया। केजी स्पोर्ट्स ने अभी ब्राज़ील के ऊपर लैंडिंग किया। कहीं ना कहीं एक टीम पहले से कूदी थी जी एक्स आई वर्सेज केजी स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्लैश देख लेते हैं। पहले यस 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 यूके पे यहाँ पे फायर होता हुआ यूके पे फायर तो हुआ लेकिन 50 का डैमेज आया बस। यहाँ पे जी एक्स आई के सामने एक बंदा रश कर दिया जी एक्स आई के ऊपर यहाँ पे ग्लू वॉल डाला है। ग्लू वॉल के अंदर घुस के यहाँ पे सनस्किट ओहो सरकारी स्पोर्ट्स भी यहीं पर आई है। तीन टीमें यहाँ पर ब्राज़ील के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत होने वाली। टीए कैप्टन के ऊपर भी रश हो गया एंड वो बंदा भाई फायर दे के निकल गया यहाँ से। स्वास्तिक पीछे की तरफ से निकल रहे हैं यूके भी निकल रहे हैं। कपिल ने रश किया था एंड टीए कैप्टन कहीं ना कहीं कपिल के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक और बंदा यहाँ पर पीछे से फायर तो दे रहा था लेकिन कैप्टन के द्वारा यहाँ पे कपिल को फिनिश आउट कर दिया जाएगा। जी एक्स आई यूके निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी स्पॉट कर सकते हैं। स्वास्तिक का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। स्वास्तिक यहाँ पर अभी भी फाइट ले रहे हैं इनको निकलना चाहिए था। एक बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिया लेकिन अभी विश्रा को यहाँ पे डाउन कर दिया क्या बात है। एक और बंदा वहाँ पे फ्लैश स्क्रीन से डाउन कर दिया गया। यहाँ पे स्वास्तिक के द्वारा तीन तीन किल उठा लिए यहाँ पर। ओहो केजी स्पोर्ट्स का दिन बहुत ख़राब जा रहा है। कहीं ना कहीं ये वाला मैच भी बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट ना हो जाए अभी भी बहुत स्ट्रगल करना है अपनी टीम को रिवाइव देने के लिए। संजू अकेले बचा केजी स्पोर्ट्स से और हम लोग अगर देखें तो स्वास्तिक के ऊपर शायद से मेल्टर फेंका गया। ये कैप्टन नहीं है सनस ने यहाँ पर रश कर दिया स्वास्तिक के ऊपर एंड स्वास्तिक को ईजिली डाउन करके फिनिश आउट कर देंगे सनस। ये कैप्टन वहाँ पर रिवाइव देने के लिए पहुँच चुके हैं ब्राज़ील के रिवाइवल के ऊपर। हम तो लॉबी 1 से हैं ग्रैंड फाइनल है। अरे तनवीर भाई ये वाली लॉबी से 6 टीम और उस वाली लॉबी से 6 टीम। ओके गाइस यहाँ पे टीए कैप्टन ने एक बंदे को और स्पॉट कर लिया। एक नहीं दो बंदों को स्पॉट कर लिया। दोनों बंदे यहीं पर लैंड कर रहे हैं। एक बंदे को काफी डैमेज दिया हेड मारा था लेकिन गाइस यहाँ पर कैप्टन को भी डाउन कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर दिक्कत होने वाली है सरकारी स्पोर्ट्स को। सनस यहीं पर आ रहे हैं गलती कर रहे हैं सनस यहाँ पर इनको पीछे चला जाना चाहिए। अभी पहाड़ी क्या कर रहा है सर। जी एक्स आई ने अपने टीममेट्स को रिवाइव भी दे दिया एंड किल भी बटोर लिया स्टार्टिंग में। स्वास्तिक के 3 किल है। ब्लाइंड यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा खतरे में लग रही है क्योंकि रैम्बो भाई हमारे नदी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ओहो सुहेल ने वहाँ पे एक किल ले लिया। चलो एक ही बंदा था अकेले बंदे को मारा है इन्होंने। जब तक हम ब्लाइंड को दिखा लेते हैं रैम्बो भाई तैरते हुए जा कहाँ रहे हो रे। देखो गाइस ये ज़्यादा हीरो बन रहे थे ना अभी कस्टम में अभी नहीं बताता मैं। अब देखो नूबड़े को अभी मरने के लिए मैं उकसा दूंगा। इसलिए पीछे से वो बातें अरे वो अपनी टीम के साथ बातें कर रहा है अपनी टीम के साथ। ओके रैम्बो भाई ने एक बंदे को यहाँ पे स्पॉट के लिए सामने ग्लू बॉल प्लस क्रोनो लग चुका है। यहाँ पे काफ़ी इजीली हेडशॉट मार सकते थे लेकिन ब्लिज़र्ड भाई पीछे से फायर कंटिन्यूसली दे रहे हैं। ग्लू बॉल ब्रेक करना चाहिए लेकिन गाइस यहाँ पर रैम्बो भाई पीछे से भी रश हो गया।
पीछे से भी रश हो गया यहाँ पर। ओह क्या बात है, वहाँ पे ब्लिजर्ड भाई नहीं था तक वहाँ पे डाउन तो कर गया। पीछे से क्या ही कवर आ रहा है भाई, ब्लिजर्ड भाई नेक्स्ट लेवल गेम प्ले भाई, पीछे से जो कवर दे रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल कवर, नेक्स्ट लेवल कवर सर। यहाँ पे दो बंदों को बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश आउट कर दिया जाएगा। स्लॉट 12 के प्लेयर थे, कहीं ना कहीं हम बाकी प्लेयर्स को देखें तो सुपरमैन यहाँ पे बहुत पीछे, सुपरमैन बहुत पीछे, एंड U3 जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, शायद U3 यहाँ से निकल रहे हैं। एंड रेड बुल वी स्पोर्ट्स को देखें तो ओहो प्रथम भाई, हमने जब पहले देखा था एक बंदे को मारा था, यहाँ तीन किल ले लिए प्रथम ने भी। ओहो प्रथम, प्रथम नहीं सोहेल है, सोहेल सोहेल पे एक बंदा और, अगर यहाँ पर एक बंदे और को मार लेते तो यहाँ पे 1v4 क्लच हो जाएगा। ये बात डायरेक को भी यहाँ पे डाउन कर दिया, डायरेक को भी यहाँ पे मार दिया गाइस सोहेल ने। कौन सी टीम है ये, कौन सी टीम है भाई, सब टीम के प्लेयर तो जिंदा है। डायरेक डाउन है, BA किंग लाइव यहाँ से बहुत दूर, यहाँ पे बहुत दूर। ओहो प्रथम को भी सरकार ई-स्पोर्ट्स के द्वारा फिनिश आउट कर देगा, कहीं ना कहीं रेड बुल ई-स्पोर्ट्स से फिर से सोहेल अकेले बचे हुए हैं। यहाँ पे सोहेल को अपनी टीम को रिवाइव देना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूसरी टीम का प्लेयर भी वहाँ पे रिवाइव ही देने गया है, तो इनको भी रिवाइव देना पड़ेगा अपनी टीम को। सरकार ई-स्पोर्ट्स, सरकार ई-स्पोर्ट्स से अभी मिश्रा और सनस बचे हैं यहाँ पे। इस बार सरकार ई-स्पोर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है पॉइंट्स। अबे जितिन बिना स्पेस के लिख बे, बिना स्पेस के लिख तब दिखेंगे। जी रेवोल्यूशन की भी फाइट चल रही है क्या? यस गाइस जी रेवोल्यूशन की भी फाइट चलती हुई यहाँ पे। इस कोल्डेड को चार्ज बस्टर से क्या ही मारा है। ये देख अब दिखे ना पॉइंट्स। यस गाइस ब्लाइंडनेस के सामने एक और बंदा रैम्बो भाई, रैम्बो भाई के बिल्कुल ठीक सामने बंदा, वहाँ पे स्काउट ने काफी बढ़िया डैमेज दिया था, बस एक गोली मारनी थी। सुपरमैन को भी यहाँ पे डाउन कर देंगे। एंड कहीं ना कहीं स्लॉट 12 से फिर से, अबे फिर से रिवाइव कर दिया क्या, अगर रिवाइव कर दिया इताता यहाँ पर लैंड किया है, एक और बंदे को यहाँ पर रिवाइव कर देंगे टोकन, क्योंकि मिले होंगे उतरने के बाद, यानी यहाँ पे कोई छोड़ के गया है। यस सुपरमैन को अगेन रिवाइव दे दिया गया है। एंड ब्लाइंड दा बॉयज से भी गाइस, दा बॉयज भी थोड़ा सा खतरे में होने वाले, TI वेक्टर अकेले बचे हुए हैं अपनी टीम से। ग्रैंड फाइनल्स कब है, उसका ग्रुप भेज देना। ठीक है मैं भेज दूंगा जतिन भैया, इसका रिजल्ट जब बन जाएगा ना, इसका रिजल्ट बनते ही मैं भेज दूंगा, फिर सबको एक साथ दूंगा ना ग्रुप। और तुषार भाई क्या हालचाल, बढ़िया है सुमित, बढ़िया है सुमित भाई। जतिन अंकल आंटी कहाँ है, आंटी आंटी पता नहीं कहाँ है। KG स्पोर्ट्स का दिन ख़राब जा रहा है, KG स्पोर्ट्स बहुत स्ट्रगल कर रही है भाई अपनी टीम को रिवाइव देने के लिए। वासु एक कोने पर है, संजू अलग दूसरे कोने पर, यहाँ पर अकेले लूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, टोकन्स कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई रिवाइव दे दें एक आध प्लेयर और। देखो आंटी रो रही है, आइकॉनिक तू होगा अंकल, आंटी ओ आंटी नहीं है वो, चला आंटी बोल रहा है। गाइस आज ब्लाइंड असिशंस क्या ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिखा रही है भाई, मुझे लग रहा है इस बार तो चैंपियंस बनने आई है ब्लाइंड असिशंस, क्योंकि फाइनल में ऐसा गेम प्ले एंड ग्रैंड फाइनल में क्या ही मचाएंगे। लेकिन इस बार किल तीन ही है, क्या लिख रहे हो, भूल गए हमें बड़े लोग, भाई कहाँ भूल गए, देखो ना याद हो आप मेरे को भाई। ब्लाइंड कितने जीते, ब्लाइंड का भाई पहला गेम ही भूया गया है, ये दूसरा मैच चल रहा है जितिन। मैं तो 11th में हूँ, क्या अंकल होगा क्वालिफाई हो जाएंगे, अरे पता नहीं, लेकिन अभी तो भाई पहला गेम मस्त गया है, सेकंड मैच में भी मचा ही रहे हैं अभी तक। लेकिन भाई ये वाले मैच में ना टीम्स देखो, लो लो भाई हो गया मैटर, बंदा स्पॉट कर लिया भाई, जोकर भाई रैम्बो भाई यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन रुके नहीं है, गाड़ी फोड़ दी गई, लेकिन गाड़ी तो इनकी फोड़ दी गई है। यहाँ पर दिक्कत होने वाली है रैम्बो भाई में, काफ़ी ज़्यादा डैमेज, यहाँ पे ग्लू बॉल थोड़ा सा लेट लगाया है यहाँ पे जोकर भाई को, क्योंकि वहाँ पे डाउन कर दिया गया, थोड़ा सा लेट ग्लू बॉल लगाया यहाँ पे और थोड़ी सी दिक्कत है। ये बात
हो गया मैटर गाइस, बोलते ही बोलते यहाँ पर खत्म कर दिया गया तीन प्लेयर को ब्लाइंड के, एंड यहाँ पे स्काउट ने रिवाइव दे दिया रैम्बो भाई को, रैम्बो भाई को रिवाइव दे दिया। एंड जी एक्स आई स्पोर्ट्स यहाँ पर ब्रासिला के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। ओहो यार भाई क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही छत पे चढ़ने की ट्रिक व्रिक दिखा रहे हैं हमें भी। एंड सरकार स्पोर्ट्स ने एक बार फिर से वापसी की है भाई चारों प्लेयर के साथ। एंड किल देखिए अभी तक आठ किल। एंड ब्लिजर्ड भाई को भी यहाँ पे रिवाइव मिल गया, एंड ब्लिजर्ड भाई भी यहीं पर लैंड कर रहे हैं, मतलब फुल स्ट्रेटजी फुल ऑन फायर। गेम ओवर, अरे नहीं नहीं गेम ओवर नहीं, अभी तो वापस बचे हैं भाई, अभी तो बचे हैं। ओके जी रेवल्यूशन की भी यहाँ पे फाइट चलती हुई, सबदा पीछे की तरफ से जा रहे हैं। राज ने यहाँ पे डैमेज दिया था मुझे अभी, 105 का डैमेज दिखा था। जी एक्स आई वर्सेज वहाँ पे फाइट हो चुकी है गाइस, उसकी असॉल्ट रेड वुल्फ स्पोर्ट्स की, असॉल्ट ब्रेकर्स से तो पहाड़ी है ना बस, रेड वुल्फ स्पोर्ट्स की एंड जी एक्स आई स्पोर्ट्स की फाइट हो चुकी है। ईयर ने यहाँ पे डैमेज दिया है और रेड बुल थोड़ा सा खतरे में हो सकती है, रेड बुल क्योंकि नीचे की से। ओहो खत्म भाई, टाइगर अकेला बचा है, मैंने तो देखा ही नहीं भाई, टाइगर अकेला बचा है। यहाँ पे रिवाइव तो दे सकता है अपने टीममेट को, टोकन्स तो यहाँ पे होंगे काफ़ी सारी, पेटियाँ इन्होंने चाट लिया अकेले। ओहो चारों प्लेयर को रिवाइव दे दिया भाई, टाइगर भाई बचा लिया भाई तुमने। एंड गाइस ये बात देखो कि अभी तक 37 प्लेयर्स बचे, जोन देखो कितना छोटा हो चुका है भाई, क्या ही फाइनल जाता हुआ। लेकिन वहाँ पे टाइगर को फिनिश आउट कर दिया गया, तीन प्लेयर उनके अभी लैंड कर रहे हैं पर टाइगर को फिनिश आउट कर। गॉड 007 KG स्पोर्ट से यहाँ पे कर रहे हैं भाई कैंपिंग, हाइड्रा भी यहाँ पे कैंपिंग, जीरो किल, पोजिशन निकालने का देख रहे हैं भाई अब यहाँ पे। ओके अभी मिश्रा के द्वारा यहाँ पे सिंजो को फिनिश आउट कर दिया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार स्पोर्ट वापसी कर रही है लेकिन फिर से खतरे में हो सकती है। कैप्टन को यहाँ पे डाउन कर दिया। एंड अभी मिश्रा भी वहाँ पे डाउन कर दिया गया। एंड सनस अकेले बचे अपनी टीम से, सनस के ऊपर भी रश हो गया। स्काई से मारने की कोशिश कर रहा सामने लगता है लेकिन सनस ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। सनस यहाँ पर क्या 1v1 निकाल देंगे क्या अकेले, लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा सा गलत सीन हो सकता है क्योंकि सनस के ऊपर रश आएगा अभी चार बंदों का, जिसमें से एक को तो भाई मार दिया सनस ने वहाँ पे, दो बंदे, एक और बंदा यहाँ पे दूर से फिनिश आउट कर दिया। लेकिन गाइस देखते ही रीपर के द्वारा यहाँ पे सनस को फिनिश आउट करके बैक टू लॉबी करा सर दिखा दिया गया है सरकार स्पोर्ट्स को। यहाँ पे जैको इजीली रिवाइव दे देंगे, टोकन्स भी होंगे अपने, बाकी टीममेट भी रिवाइव कर दे। ओहो माइकी 4H संजू के द्वारा यहाँ पे कर दिया गया माइकी को डाउन। लॉजिट अकेले बचे हुए जो कि एलिमिनेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती हो गई, उनको रिवाइव दिए बिना निकल जाना चाहिए था। 4H स्पोर्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मचा रही है गाइस, नेक्स्ट लेवल डोमिनेशन दिखा रही है क्योंकि किल देखिए इस टीम के 15 किल हो चुके हैं। आर डब्ल्यू है सोहेल को देखिए अकेले 4 किल के साथ है सोहेल, बाकी के प्लेयर 0-1-1 एंड कवर करके बैठा है पहाड़ी ने अपना जोन कवर करके बैठा हुआ है, सोहेल अपना जोन कवर कर रखे लेकिन प्रथम थोड़ा सा दूर है जोन से। एंड यहाँ पर प्रथम पे रश आने वाला, जी एक्स आई की भी वहाँ पे फाइट होती हुई, जी एक्स आई की तरफ एक बार डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। जी एक्स आई यूके, ओहो क्या नाम रखे हैं भाई सब लोगों ने। कपिल भाई ये रेड वुल्फ के प्लेयर्स के ऊपर वाले घर में बैठा हुआ है क्या, ये रेड बुल सामने वाले घर में होगी शायद, मेरे को पता नहीं भाई लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो भाई वहीं पे। ओहो सोहेल ने प्रथम को वहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा यूके के द्वारा। लॉन्च पैड पहले से लगा रखा है कि भाई पहुंच जाएंगे डायरेक्ट अंदर जोन के। ओहो ब्लाइंड असिशंस को बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया। यूके का हमें नज़र आ रहा है कि यूके का नेट जा रहा है लेकिन यूबी सरकार को यहाँ पे ट्रॉगन से डाउन कर दिया गया। एक बंदा वहाँ पे जोन से डाउन हुआ है उसका भी किल ले लेंगे। 4H स्पोर्ट्स के दो प्लेयर को यहाँ पे यूके ने किल ले लिया गया है। एंड स्वास्तिक वहाँ पे डाउन पड़े हैं, 17 मीटर दूर है लेकिन फिनिश आउट हो जाएंगे स्वास्तिक। तो यहाँ पे जी एक्स आई स्पोर्ट्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लेयर। जी रेवल्यूशन टीपी इस मैच के अंदर नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिखा दी चार बंदों के साथ अपने। यहाँ पे राज नेडिंग करते हुए, राज यहाँ से नेट डाल रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, 66 का डैमेज। इग्नाइट वहाँ पे डाउन पड़े हुए हैं, एक और नेट डाला है राज ने, एक बंदे को डाउन भी कर दिया। हाइड्रा डाउन है। गॉड अकेले बचे हुए, जल्दी से रश करना जरूरी है भाई यहाँ पे। और इसी के साथ गाइस हाइड्रा का तो किल आ गया लेकिन गॉड ने एक बंदे को डाउन कर दिया।
गॉड ने एक बंदे को डाउन कर दिया लेकिन उनको भी फिनिश आउट करके केजी स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बढ़िया कास्टिंग कर रहा है ओपी का। अरे भाई जेएस भाई कास्टिंग कर दे भाई, तू मेरी कास्टिंग कर दे भाई, लिटरली ना मेरे से कास्टिंग नहीं हो पा रही अब, क्योंकि भाई सही बता रहा ना अभी मैं बहुत प्रेशर में कर रहा, क्योंकि एक वो होता है ना रैम्बो भाई फ्रीली करते हैं, उनके पास रूम है सब कुछ है, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी मैं कभी भी भाई बीच में माइक ऑफ कर सकता हूँ, ये दिक्कत है मेरे को। ये देखो कैंपर्स को, पहाड़ी भाई हमारे जीरो किल के साथ है लेकिन अभी भी मैच के अंदर बने हुए हैं, अपने टीम को पोजीशन निकालने के लिए सोच रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि यहाँ पर फाइट नहीं ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। ओह सोहेल को वहाँ पे डाउन कर दिया, जोन से डाउन हो गए सोहेल, तो सोहेल जोन से डाउन हो गए। जीएक्सआई, ओहो जीएक्सआई ने मारा, वहाँ पे प्ले जोन लिखा आया था ना शायद इससे पहले, ये किल बाद में उठा लिया। सच्ची में बोल रहा झूठ नहीं था, अरे नहीं भाई सच्ची में नहीं हो रही जितिन भाई, लिटरली बता रहा मैं कसम से भाई, अभी हो ही नहीं पा रही। ओ भाई क्या ही फाइट होती हुई, जी राज 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 के वहाँ पे प्लेयर को डिग्नाइट, वहाँ पे डाउन पड़े। जी एक्स आई यू के हैं ये, जी एक्स आई यू के है, रिवाइव दे दे भाई अपने टीममेट को, अभी रिवाइव भी दे देता भाई, वहाँ पे रिवाइव भी देने का चांस था लेकिन अब अकेले बचे हुए राज, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। दो बंदों का पीछे से रश आ रहा है जी एक्स आई के, जी एक्स आई यू के एंड कपिल पीछे से आ रहे थे, बट यहाँ पे उनका भी डैमेज पड़ा हुआ है तो हील करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यू के पे वहाँ पे फायर आता हुआ है या फिर जोन से ही ख़त्म, वाह भाई इतना डैमेज जोन से ही खा रहा है भाई लौंडा। अबे पता है अगर ना भाई फ्रीली करने का मौका मिले ना भाई, लिटरली भाई शाउट कास्टिंग भी देने लग जाऊंगा फिर तो। अभी ना फॉर्म भी नहीं बैठता भाई, ऐसे फॉर्म में नहीं बैठता जब ना पीछे से भाई प्रेशर पड़ा हो कि कभी भी दिक्कत हो जाए, इसीलिए तो इतने दिनों से कास्टिंग वो लाइव ही नहीं हो रही है। ओके जी राज वहाँ पे एलिमिनेट ही हो गए जोन से, क्योंकि कपिल ने ग्लू बॉल पे ग्लू बॉल डाल दिया, कह रहे हैं भाई हम तुम एलिमिनेट हो जाओ, यहाँ मत आओ छोड़ो जाओ यहाँ से। चार बंदे बचे हैं, ये भी पहाड़ी अकेले अपनी टीम से, आरसी आदित्य एच, आदित्य भी अपनी टीम से अकेले हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ी पहले फिनिश आउट हो सकता है क्योंकि पहाड़ी पे हो चुका है रश एंड पहाड़ी को यहाँ पे यूके के द्वारा फिनिश आउट कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आदित्य अपनी आरसी स्पोर्ट टीम से 1v2 निकाल पाते हैं कि नहीं देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, लेकिन इनको भी यूके के द्वारा फिनिश आउट कर दिया। यूके अकेले ही 8 kill करके बैठे हैं भाई, क्या ही गेम प्ले जीएक्सआई ने दिखाया है, पहले मैच के अंदर सेकंड पोजीशन, सेकंड मैच के अंदर बुइया। तो कहीं ना कहीं अब टेबल टॉपर तो भाई जीएक्सआई ईस्पोर्ट्स ही है, ब्लाइंड को पीछे ईस्पोर्ट्स ने फिर से वापसी की है एंड कहीं ना कहीं बहुत आगे निकलोगे। किल्स देखो, किल्स देखो इस टीम के भाई, 12 kill के वो सॉरी 8, 4, 12, 12 और 8 भाई क्या बात है, गिनती भुला दोगे तुम तो यार। 20 kill के साथ गए जी एक्स आई स्पोर्ट ने ले लिया, बुया 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 एंड 8 kill के साथ आरसी स्पोर्ट टीम एट सेकंड पोजीशन। रेड बुल भी स्पोर्ट्स भी इस बार 6 kill के साथ थर्ड पोजीशन। जी रेवोल्यूशन टीपी 12 kill के साथ फोर्थ पोजीशन, 4 kill के साथ फिफ्थ पोजीशन ली है भाई। कौन सी टीम है एक बार भाई स्लॉट 12 का नाम बता दो। एंड के जी स्पोर्ट 2 kill के साथ 6th position, 4H स्पोर्ट्स 15 kill के साथ भाई 7th position भाई, किल तो इसने भी बढ़िया करे हैं। TR मतलब टीम रुथलेस 5 kill के साथ 8th position, सरकार स्पोर्ट्स 10 kill के साथ 9th position, दा बॉयज 0 kill के साथ 10th position, ब्लाइंड असिस्टेंस 3 kill के साथ 11th position एंड 4 Destroyer 0 kill के साथ बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट। कोई ना होता है पहले मेहनत कर लो बाद में सही हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा। अभी तो भाई हम लोगों की स्टार्टिंग है, क्या हम लोग कास्टिंग करते हैं, घंटा कुछ नहीं करते हम। एक कैसा गया RW था, अरे ब्रो वो पहला वाला मैच थोड़ा सा खराब गया था लेकिन अब इस बार वाला मैच तब भी ठीक है। ठीक है भाई सोने जा रहा हूँ, अभी घर आया 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। कोई ना सो जाओ। ए कौन है भाई ये नूबड़े भाई, रैंडम मत बुलाया करो, जल्दी बुलाओ और जिस स्लॉट 10 वाले। किल बहुत है हर टीम के, हाँ वही तो टीम भाई किल जो कर रही है ना नेक्स्ट लेवल ही। वो जी मेरे दोस्त कमबैक कर,
फिर से भर गया क्या उनका स्लॉट? सो इसी के साथ गाइस ब्रेकर्स कप 3 का लॉबी 2 फाइनल्स के थर्ड मैच में कालाहारी के मैदान पर स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आया 2 मिनट में। ब्लाइंड को भाई अगर टेबल टॉप करना है तो इस बार वापसी करनी पड़ेगी। पहले सही से खेल ले मेरे बेटे। ए बेटा तो पागल है, कल मेरा स्कूल खुलेगा और कल ही एग्ज़ाम। वाह, एक दिन में स्कूल खोल रहे हैं, एक ही दिन में एग्ज़ाम भी, क्या बात है, क्या बात है। चलो मैच की तरफ एक बार वापसी करते हैं गाइस। यहाँ पे सरकार स्पोर्ट्स ने अभी तक लैंडिंग नहीं लिया, लेकिन बोलते ही बोलते लैंड कर चुके हैं। दाम एस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 4 डिस्ट्रॉयर्स के प्लेयर्स। यहाँ पे काउंसिल हॉल की तरफ GXI स्पोर्ट्स ब्लू जोन कन्फाइनमेंट ब्लाइंड असिस्टेंस रिंज। अबे स्काउट को क्या कर रहे हैं भाई? ओहो भाई क्या हो रहा है ये? लिटरली ग्लिच था ये सिरिंज के नीचे की साइड। यहाँ पे ब्लाइंड असिस्टेंट ने लैंडिंग लिया एंड जी रेवोल्यूशन TP भी थोड़ा कोने में कूद दिया मौत की तरफ। टीम रुथलेस फाउंडेशन के ऊपर एलिमिनेट हो गए। KG की उतरते ही फाइट हो गई। गलती कर रहे हैं KG वाले की भाई, लेकिन भाई वो भी क्या करें बेचारे, उनका ड्रॉप पॉइंट है तो गलती तो नहीं है। गॉड 007 को यहाँ पे एक किल तो मिल चुका है, लेकिन KG स्पोर्ट्स भाई इतना अच्छा मैच नहीं जा रहा है। थोड़ा सा भाई इनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से निकल जाए तो ही बेटर रहेगा। लेकिन हाइड्रा के ऊपर भी रश हो चुका है। यहाँ पर हाइड्रा ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, हाइड्रा भी यहाँ पे डैमेज, दो बंदों को रश हो गया। सरकार स्पोर्ट्स थी, सनस को यहाँ पे एक और किल मिल जाएगा। कहीं ना कहीं गॉड अकेले बचे हुए, दिक्कत हो सकती है अगर स्पॉट कर लिया तो। गॉड को उतरते ही भाई किल तो ले लिया टीए कैप्टन ने स्पॉट नहीं किया उसे। ओहो ब्लाइंड असिस्टेंस की भी फाइट हुई है क्या? जोकर भाई को वहाँ पे फिनिश आउट कर दिया गया है, जोकर भाई को एलिमिनेट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ब्लाइंड असिस्टेंस की फाइट तो हुई है। सिरिंज पे कौन सी टीम कूदी है? फाउंडेशन पे टीम है। गॉड यहाँ से निकल चुके हैं, रिफाइनरी तक तो पहुँच गए। एंड गाइस 4H स्पोर्ट्स की फाइट होती हुई सरकार पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया है। वहाँ पे अल्टीमेटर लॉन्चर सामने वाला प्लेयर तो दे रहा है, कौन ये? आदित्य आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यूबी सरकार कन्फाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं भाई। जी रेवोल्यूशन टीपी वर्सेस वहां पर हो चुका है सरकार स्पोर्ट्स। एंड राज ने अकेले ही सरकार स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर को फिनिश आउट कर दिया। अभी मिश्रा ने यहां पे ग्लोबल डाला सामने, उनके बंदा टीए कैप्टन वहां पे रश करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों को टीए कैप्टन वहां पे रश करते हुए नजर तो आ रहे, लेकिन प्लेयर कहां है भाई? कौन से प्लेयर को मारने जा रहे हो भाई? ओहो मार दिया भाई अभी मिश्रा ने वहाँ पे राज को मार दिया। एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया कैप्टन के द्वारा, लेकिन गन इतना अच्छा नहीं है जो भाई मार सके बेचारा। लॉन्ग रेंज में भाई बाइसन चला रहा है। GXI गए OP। ओहो GXI गए टेबल टॉपर को, बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट कर दिया गया। मैंने तो देखा ही नहीं कि भाई टेबल टॉपर को बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी टीमों के लिए भाई टेबल खुल चुका है कि वो लोग अब आगे बढ़ सके। टीए कैप्टन पे यहाँ पे डैमेज आया भाई, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, कवर में रह के खेले। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटर लॉन्चर एक पड़ चुका है। अगर यहाँ पर ग्लू वॉल ब्रेक किया, ओहो एक और ग्लू वॉल लगा दिया गया टीए कैप्टन के पास। आई थिंक मेडिकिट भी नहीं है। सनस वहाँ से बहुत दूर
लेकिन गाइस देखते देखते टीए कैप्टन को वहां पे डाउन कर दिया गया। इनफिनिश आउट इजीली कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मिश्रा का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओहो जी रेवल्यूशन टीबी को भी बैक टू लॉबी करा सा दिखा दिया गया। अब टीए कैप्टन को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, टीए कैप्टन को भी रिवाइव मिल जाएगा। जैवीर अकेले बच्चे मतलब जो एलिमिनेट हो रखे हैं उनको भी रिवाइव मिल जाएगा बाद में, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई प्रैक्टिस टूर्नामेंट होता है क्या? यस ब्लॉगर एस भाटी, भाटी भाई यहाँ पर प्रैक्टिस मैच होते हैं लेकिन अभी फिलहाल में तो फाइनल चल रहा है भाई। 1K प्राइस पूल एंड ब्रेकर्स कप 3 का लॉबी 2 का फाइनल। टीए का पासवर्ड रेड वुल्फ है शायद, टीए के साथ RW होगा, देखना। टीए कौन है बे? टीए व्हाट इज टीए? यस ब्लाइंड एसोसिएशंस की भी यहाँ पे आई थिंक फाइट होने वाली है। यस एक बंदा ब्लिजर्ड भाई के सामने काफी ज्यादा बढ़िया डैमेज दिया ब्लिजर्ड भाई ने, एक और बंदे का रश, दो बंदों का रश हो गया यहाँ पे ब्लिजर्ड भाई के ऊपर। एक बंदे को डाउन कर दिया, क्या ही हेडशॉट के साथ यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया, क्या ही हेडशॉट के साथ एक बंदे को डाउन कर दिया। जोकर भाई बहुत दूर, सभी लोग बहुत दूर है, ब्लिजर्ड भाई को अकेले यहाँ पर निकालना पड़ेगा भाई ये वाला राउंड, ये वाले तो अकेले निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे नेट डाला है अपने ऊपर, नेट डाल दिया वहाँ पे नेट से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। तीन बंदों ने जो रश किया था ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसीलिए। ब्रो प्रैक्टिस टूर्नामेंट कैसे रजिस्ट्रेशन करें और वो कब होंगे? देखो भाटी भाई प्रैक्टिस टूर्नामेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन होता है, लाइव पे आईडी पास मिलता है प्रैक्टिस टूर्नामेंट का, ठीक है? लाइव पर आईडी पास मिलेगा आपको प्रैक्टिस टूर्नामेंट का, आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको लाइव देखनी है। एंड जब भी प्रैक्टिस कस्टम होगा ना वहाँ पे लिखा हो तो लाइव पर कि फन कस्टम हो रहा है। एंड अभी हम लोग फाइनल करा रहे हैं ना, फाइनल आप देखते रहो, फाइनल के एंड में हो सकता है अगर टाइम बचेगा तो फाइनल के एंड में भी हम लोग प्रैक्टिस मैच एक दो करा देंगे, ठीक है? तो लाइव पर ही आईडी पास मिलता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा आपको, बस आपको कुछ नहीं करना, लाइव देखना है, लाइव पर आपको आईडी पास मिल जाएगा। RW दिखाना, RW हमारी दा सबके ऊपर है, किल लिए इस बार, किल नहीं लिया RW ने हमारी। 4H Esports ने भाई उतरते 7 किल ले लिए। सर फ्री फायर रिटर्न आएगा? यस भाटी भाई बिल्कुल आएगा, पबजी आया ना, BGMI आया तो फिर फ्री फायर भी आएगा, वेट करो हर चीज़ वापस आएगी। इतनी जल्दी तो भाई नहीं होने वाला है गाइस। देखते देखते यूबी सरकार को वहाँ पे डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ पे खुद से रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन फिनिश आउट रीपर के द्वारा कर दिया जाएगा। RC स्पोर्ट टीम मैच ने कहीं ना कहीं 4H Esports पे रश कर दिया, फ्लिक शॉट वहाँ पे काफ़ी बढ़िया फायर देते हुए एक बंदे को डाउन भी कर दिया। जय वहाँ पे डाउन हो गए, जय को वहाँ पे डाउन कर दिया गया है। एंड कहीं ना कहीं RC स्पोर्ट ने तीन बंदों के साथ खेला था ना, यस तीन बंदों ने खेला था। सिंजो यहाँ से लॉन्च पैड लेके किधर की साइड बढ़ रहे हैं, ये शायद से बंदों के पीछे उतरे हैं ना ये। लेकिन यहाँ पर 4H Esports के चारों प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव मिल चुका है। एंड सिंजो पीछे की तरफ से आए जरूर थे, लेकिन सिंजो को भी यहाँ पर डाउन करके फिनिश आउट कर दे, किल देने आए थे सिंजो, आए थे यहाँ पे फ्लिक शॉट को किल देने आए थे सिंजो शायद से। ओके सर न्यू टूर्नामेंट कब आएगा? देखो न्यू टूर्नामेंट चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हमारे मॉडरेटर्स आपको देखो लिंक दे रहे हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलने के लिए। व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करो, WP लिंक, ये देखो इसी को ज्वाइन करो एंड एडमिन को जाके DM कर दो हाउ टू रजिस्टर इन न्यू टूर्नामेंट, ठीक है? आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता चल जाएगा सब, आप जल्दी से जाके DM कर दो, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके यस यस, बाकी अभी तो भाई अभी आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा शायद से, क्योंकि सारे के सारे एडमिन अभी मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं एक एडमिन मैं खुद हूँ, तो मैं वहाँ पर अभी देखो लाइव करा रहा हूँ। एक प्लेयर हमारा पहाड़ी एडमिन, मतलब एक एडमिन हमारा ये खेल रहा है, बाकी के दो एडमिन, एक के पास शायद से नेट नहीं है शायद, एंड एक के पास अभी वो भी मैच खेल रहा है, तो समझ लेना अभी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, लेकिन रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा तो जाके DM कर दो। एंड दा बॉयज़ की भी गाइस यहाँ पे फाइट चलती हुई, साजिद को डाउन कर दिया विक्टर के ऊपर यहाँ पे रश हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे विक्टर को भी फिनिश आउट करके दा बॉयज़ को बैक टू लॉबी करा था, टीम रुथलेस ने दिखा दिया। बाहर जाओ भाई, सब टीम मौका नहीं दे रही है। एंड ब्लाइंड एसोसिएशंस इस बार वापसी करने के लिए बिल्कुल शेरों की तरह आगे बढ़ रही है भाई।
एंड कोई गलती नहीं किया अभी तक ब्लाइंड एसोसिएशन ने, बिना गलती के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है एंड कहीं ना कहीं टेबल टॉप कर सकती है इस मैच के अंदर, अगर वापसी की तो भाई टेबल टॉप इजीली हो सकता है। एंड जीपी सोहेल ने वहाँ पे किल लिया ना, यस जीपी सोहेल 55 ने यहाँ पे एक किल लिया था, लेकिन भाई ओह हम वो को दिख रहा है अब तो भाई फाइट हो रही है। यस इस बार गाइस सरकारी स्पोर्ट्स यहाँ पे एक बंदे को प्रथम ने डाउन तो किया था, एक और हेडशॉट गाइस मिश्रा को लगा दिया प्रथम ने, एक और हेडशॉट लगा दिया यहाँ पे सोहेल का वहाँ पे रश होता है। अल्टीमेटर लॉन्चर्स प्रथम का किल आ चुका है, शायद से ने किल को दोबारा डाउन किया ना, एक बंदा उनका वहाँ से भागता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। पहाड़ी हमारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार सरकार स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो सरकार स्पोर्ट्स के कितने बंदे बचे हैं। यस अभी मिश्रा यहाँ पे डाउन है, जिनको रिवाइव मिल जाएगा अब। नहीं, गलती हो जाएगी अगर रश हुआ तो। यस गाइस अभी मिश्रा को भी यहाँ पे डाउन कर देगा, सोहेल ने यहाँ पे रश कर दिया, जयवीर अकेले बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जयवीर अकेले बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बार रेडबुल ई स्पोर्ट्स ने भाई बहुत ही डोमिनेशन दिखाने वाली टीम को करारा जवाब दिया है, जयवीर अकेले बचे, कहीं ना कहीं अभी भी फाइट हो रही है यहाँ पर रेडबुल वी स्पोर्ट्स की, बैक टू बैक फाइट्स लेते हुए यहाँ पर रेडबुल वी स्पोर्ट्स के प्लेयर हाई करंट टॉप सिक्स टीम्स। ब्रो देखो मैं अगर मतलब गैस करके बोलूँ तो टॉप सिक्स टीम में देखो एक ब्लाइंड असिशियंस, ठीक है, एक ब्लाइंड असिशियंस हो गई, GXI स्पोर्ट्स अभी तक तो टेबल टॉपर थी, ठीक है, 4H स्पोर्ट्स होगी एंड सरकार स्पोर्ट्स होगी, ठीक है, फोर डिस्ट्रॉयर्स भी हो सकती है एंड कहीं ना कहीं रेड वुल्फ भी हो सकती है, क्योंकि रेड वुल्फ का गेम प्ले भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे पहाड़ी के ट्रॉगन के जो डैमेज जा रहे हैं ना नेक्स्ट लेवल, लेकिन सामने वाले बंदे ने भाई कैरेक्टर लगा रखा है, इसका नाम मैं भूल गया, स्टेफी लगा रखा है, पहाड़ी के एक ही लॉन्चर का डैमेज पड़ा था लेकिन बाकी लॉन्चर्स के डैमेज निकले। यहाँ पे पहाड़ी ने गलती कर दी, पहाड़ी ने बिल्कुल सीधा रश कर दिया एंड पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज, सोहेल ने वहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया, फिनिश आउट इजीली ले लेंगे, बैक टू बैक फाइट्स ले रहे हैं यहाँ पर रेड बुल वी स्पोर्ट्स के प्लेयर। सोहेल यहाँ पर आई थिंक रिवाइव देने के लिए जाएंगे अपने प्लेयर को, टाइगर वहाँ पे फिनिश आउट क्योंकि कर दिया, प्रथम रिवाइव दे दो, अरे टोकन नहीं है क्या भाई, अपनी टीम को रिवाइव दो रे। हाँ एक टॉप सिक्स टीम में मैं एक टीम बताना भूल गया ना, वो जी रेवल्यूशन टीम भी हो सकती है। एंड गाइस यहाँ पे ब्लाइंड एसोसिएशन की फाइट होती, ब्लिज़र्ड भाई को यहाँ पे डाउन कर दिया गया, फ्लिक शॉट के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट तो हो रही है भाई। यहाँ पे स्काउट के सामने भी एक बंदा, स्काउट को भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा सरकार की तरफ, यहाँ पे रैमो भाई के द्वारा रिवाइव तो मिल जाएगा लेकिन दिक्कत होने वाली है ब्लाइंड एसोसिएशन को जोन के अंदर जाने में, क्योंकि टीम वहाँ पे जोन में पहले से बैठी है एंड यहाँ पे रश हो चुका है। जोकर भाई के द्वारा यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा एक प्लेयर को, लेकिन दिक्कत होने वाली है मेरे बोलने के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है जी जोकर भैया, ओ प्ले जोन से रैमो भाई हमारे वहाँ पे डाउन होगा, सॉरी स्काउट भैया हमारे डाउन हो गए जोन से ही एंड फिनिश आउट हो गए। रैम्बो भाई ने यहाँ पे जोन तो कर लिया है कवर, लेकिन पीछे से फायर आया है, इनको भी डाउन कर दिया गया। जोकर भाई का यहाँ पे नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, लॉन्च पैड लगाया है, जोकर भाई का लॉन्च पैड अब तो सही लगा है, लेकिन अगर पीछे से फायर आया तो भाई इस बार भी ख़त्म। यस इस बार पीछे से नहीं, इस बार सामने से, एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रेड बुल वी स्पोर्ट्स तो नहीं है, ओहो रेड बुल वी स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया। आरसी स्पोर्ट टीम मैच ने जोन बढ़िया कवर किया, इनके पास काफ़ी बढ़िया एडवांटेज है एंड यहाँ पे आदित्य लॉन्च पैड लगा के डायरेक्ट आरसी स्पोर्ट टीम मैच के ऊपर ना गिर जाए, दिक्कत हो जाएगी बेचारों को। यस बिल्कुल गलती नहीं, बिल्कुल सही लॉन्च पैड लगाया गया है यहाँ पे आरसी स्पोर्ट टीम। KG स्पोर्ट्स गाइस हम लोगों ने केजी स्पोर्ट्स की तरफ तो देखा ही नहीं भाई, केजी स्पोर्ट्स ने इस मैच के अंदर बिल्कुल वापसी किया भाई, 12 किल के साथ है एंड गॉड के द्वारा यहाँ पे एक बंदे को M79 से मार दिया था लेकिन खुद भी डाउन हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएंगे रिवाइव।
आराम से हो जाएंगे रिवाइव। एनकेजी स्पोर्ट्स ने भाई वापसी कर ली 13 kills एनकेजी स्पोर्ट्स अकाउंट की बात। कहीं ना कहीं ब्लाइंड असिस्टेंट से बीए जोकर अकेले बचे हैं, वो भी जोन में फंस चुके हैं। यहाँ पे पार तक पहुँचना, रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन? अरे ब्रो रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक ओपन है, 5 जुलाई तक आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। बीए जोकर के सामने 4 बंदे हैं। यहाँ पे केजी वासु की तरह ब्लाइंड असिस्टेंट्स को भी बैक टू लॉबी करा सा दिखा दिया गया है। मैं कह रहा था भाई केजी स्पोर्ट्स ने इस बार वापसी कर ली 14 kill के साथ। केजी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लाइंड असिस्टेंट्स को भी फिनिश आउट कर दिया। यहाँ पे सभी टीम्स तो मरी हुई दिख रही है। ओहो केजी स्पोर्ट्स वर्सेस 4H स्पोर्ट, दोनों ही टीम ने भाई क्या ही डोमिनेशन दिखाया। एक टीम 16 kill के साथ, एक टीम 14 kill के साथ। देखते हैं कौन सी टीम पूजा करने वाली। यहाँ पे सरकार का क्या ही हेड शॉट भाई, गॉड को यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा। एक और प्लेयर उनके सामने भाग गया बेचारा भाग गया। ओके यहाँ पे स्नाइपिंग देखते हैं संजू भाई की। यस एक बंदे को स्पॉट कर लिया, 97 का डैमेज भी दिया है। एक बंदे को स्पॉट किया था, 97 का डैमेज दिया। और भाई यहाँ पे केजी स्पोर्ट्स के पास जोन है। जय कहाँ है भाई, जय भी अकेला बचा है लौंडा। ओहो फुल कैंपिंग, यूबी सरकार यहाँ पे लूट कर रहे हैं, क्या बात है। ओहो देखते संजू को डाउन कर दिया गया वहाँ पे, संजू को डाउन कर दिया गया। एंड वासु हाइड्रा अकेले बचे हुए अपनी टीम से, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। केजी स्पोर्ट्स पे रश होता हुआ वासु की ग्लू वॉल बैक टू बैक ग्लू वॉल ब्रेक की जा रही है। कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन संजू को अगेन रिवाइव मिल गया। यस गाइस संजू को अगेन रिवाइव मिल चुका है। यहाँ पर मेल्टर्स मारे जा रहे हैं, यहाँ पे स्किल्स ऑफ कर दी गई है। यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज, हाइड्रा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डैमेज। कहीं ना कहीं यहाँ पर केजी स्पोर्ट्स को दिक्कत होने वाली है, आदित्य किससे फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे फाइट हो रही है आदित्य की शायद से। सोलो प्लेयर को मार रहे हैं यहाँ पे आदित्य अकेले। नहीं गलती नहीं करेंगे बिल्कुल, सोलो प्लेयर को मारने के लिए भी पूरे 2 बंदे जाएंगे। यस आदित्य के द्वारा यहाँ पे जैको फिनिश आउट करेगा। यानी यूबी फ्लिक शॉट यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे यूबी फ्लिक शॉट को वासु के द्वारा डाउन कर दिएगा। वासु के द्वारा फ्लिक शॉट को डाउन कर दिया गया। कहीं ना कहीं 3v3 हो चुका है, दिक्कत दोनों ही टीमों पर पड़ चुकी है, क्योंकि सरकार यहाँ पे 4 बस्टर के साथ संजू को डाउन कर दिया गया। एक और बंदा आता हुआ यहाँ पे सरकार को भी डाउन कर दिया। संजू रिवाइव दे देंगे, नहीं खुश के उससे रिवाइव करना चाहते हैं अपने आप को। एंड कहीं ना कहीं 1v3 हो गई होगी अब तक तो। यस इसी के साथ का स्पोर्ट है जिस स्पोर्ट ने ले लिया है। बुया रजिस्ट्रेशन कब, अच्छा ये तो पढ़ लिया था ना। जिन्होंने स्ट्रीम को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो दो। यस इनका स्किल्स देखिए इस टीम के, 6, 5, 11 और 10 21 स्किल के साथ हमारी 4H स्पोर्ट्स ने ले लिया है। बुया। केजी स्पोर्ट्स के किल भी कुछ कम नहीं है, 15 kill के साथ केजी स्पोर्ट्स ने ले लिया सेकंड पोजीशन। 4 kill के साथ आरसी स्पोर्ट टीम है थर्ड पोजीशन। ब्लाइंड असिस्टेंट्स 5 kill के साथ फोर्थ पोजीशन। एंड फोर डिस्ट्रॉयर्स 3 kill के साथ फिफ्थ पोजीशन। 6 kill के साथ सरकार स्पोर्ट्स ने ले लिया 6th पोजीशन। एंड रेड बुल फी स्पोर्ट 4 kill के साथ 7th पोजीशन। ट्रीम रुथलेस 6 kill के साथ 8th पोजीशन। दा बॉयज 3 kill के साथ 9th पोजीशन। 3 kill के साथ 10th पोजीशन ली है भाई। एक बार अब इस वाली टीम का नाम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई, एक बार पढ़ लें दो सेकंड रुकना ठीक है। SM Black Squad ने ले लिया 3rd पोजीशन 10th पोजीशन 3 kill के साथ। जी रेवल्यूशन TP 2 kill के साथ 11th पोजीशन। एंड GXI स्पोर्ट्स टेबल टॉपर जो थी, अब इन्होंने 0 kill के साथ बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट।
चलो गाइस इसी के साथ देखते ही देखते लॉबी टू फाइनल्स ब्रेकर्स कप थ्री के फोर्थ मैच को भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है बरमूडा के मैदान के ऊपर। एंड 5 की वॉचिंग चल रही है भाई, जिसने भी अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक जरूर से कर देना। एंड यार शेयर करो यार स्ट्रीम को शेयर, अबे ऑफ क्यों हो रही है। कितने मैच, 6। यस यस भाटी भाई 6 मैच होंगे, 6 में से 3 हो गए हैं, 2 बचे हैं। कल फोन आ जाएगा फिर दिखाएंगे गेम प्ले। चलो ठीक है भाई, पार्थ भाई ने बोला कल फोन आएगा, ठीक है कोई ना होता है। नेड ही नेड मारेगा, ओहो नेडर हो आप। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये झंडा चेंज क्यों हो रहा है मेरे, इसमें मैं किसी और पे कर रहा हूँ तो ये झंडा मेरे को किसी और पे दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है सरकारी स्पोर्ट्स यहाँ पे हैंगर के ऊपर लैंडिंग लेते हुए पोर डिस्ट्रॉयर्स हमारी पोचिनोक से काटिल वो हाँ पोचिनोक पे लैंड कर रही है, आगे की तरफ जाएगी शायद से। GXI स्पोर्ट्स का एक प्लेयर स्वास्तिक हमें बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है, बाकी के प्लेयर्स प्लांटेशन से शिपयार्ड की तरफ जाएंगे। ब्लाइंड असिस्टेंस एक बार फिर से पिक के ऊपर जी रेवल्यूशन टीपी कार्टिलिस्टा के ऊपर टीम रुथलेस, मेरे को प्लेयर्स भाई अलग ही नज़र आ रहे हैं। टीम रुथलेस ग्रेवयार्ड KG स्पोर्ट्स पीक पे फिर से एक बार KG स्पोर्ट्स वर्सेस ब्लाइंड असिस्टेंस, लेकिन इस बार थोड़ा अलग कूदे दोनों के दोनों टीम के प्लेयर्स। यहाँ पे स्काउट को डाउन कर दिया गया, 4H भी यहाँ पर कूद दिया गया, 4H भी यहाँ पर कूद दिया। ब्लाइंड इस बार खतरे में होने वाले, रैम्बो भाई एंड ब्लिजर्ड भाई अकेले बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड असिस्टेंस के 2 प्लेयर बचे हैं, 4H की टीम भी यहीं पर कूदी हुई है। अभी भी संजू पाइड ले रहे, KG वासु को भी वहां पे डाउन कर दिया। एक और बंदा उनके सामने यहां पे पूरी की पूरी टीम 4H पिछली बार बुइया करके आई है एंड यहां पर उतरते ही क्लैश ले रही है दो दो टीमों के साथ एक साथ। यूबी सरकार आगे पहुँच चुके हैं, वासु अकेले लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया। दास आज इतने वहाँ पे एक GXI के प्लेयर को मारा है भाई, आपके लाइव में अब मेरे ही टीम का नाम होने वाला है कमिंग सून। ओहो चलो देखते हैं, यहाँ पे ड्रैगन का यूज़ हो रहा है सरकार के द्वारा, यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा हाइड्रा को एंड काफ़ी इजीली फिनिश आउट भी कर दिया जाएगा। ओहो रेड बुल भी स्पोर्ट से देखिए पहाड़ी अकेले बचे हुए हैं एंड यहाँ पर KG स्पोर्ट से संजू भी अकेले बचे हुए हैं। ब्लाइंड असिस्टेंस का क्या हाल है एक बार देख लेते हैं। रैम्बो भाई हमारे यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को रिवर साइड। एंड गाइस GXI के 2 मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए, लेकिन भाई उसके बाद देखो GXI का हाल देखो। हो स्वास्तिक भाई कैसा लॉन्च पैड लिया आपने, पूरी हील ख़त्म कर ली स्वास्तिक ने। भाटी भाई देखते हैं आपका टीम का नेम क्या है, वैसे आपका टीम का नाम क्या है भाटी भाई। इस बार सरकार स्पोर्ट ने बिल्कुल सेफ लैंडिंग की है। 5 जुलाई से भाटी भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप टीम होगी जरूर से क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, तो देखते हैं आपकी टीम का नाम होने वाला है कि नहीं। F4 स्पोर्ट्स, ओहो काफ़ी बढ़िया, चलो देखते हैं भाई मिलते हैं फिर आपकी टीम से। ऐसी नॉर्मल 4v4 भी होते हैं हमारी लाइफ पर, तो आया करो ठीक है। 4v4 में भी आपकी टीम का हम लोग परिचय ले सकते हैं, वैसे देखेंगे कैसा खेलेगी। GXI ख़त्म हो जाएगी, रैम्बो भाई है वही तो बोल रहा GXI ख़त्म। ओह ब्लाइंड असिस्टेंस यहाँ पे रिवाइव दे दी अपनी टीम को, ब्लाइंड असिस्टेंस की पूरी टीम यहाँ पे रिवाइव हो चुकी है एंड हम लोग एक बार देखें। ओहो पहाड़ी ने भी हमारे प्रथम को रिवाइव दे दिया, प्रथम यहाँ पे लैंड ले रहे हैं। ओहो ब्लिजर्ड ने वहाँ पे एक किल लिया, बाकी ये प्लेयर यहाँ पे लैंड तो कर रहे हैं लेकिन ब्लिजर्ड ने एक किल ले लिया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाटी भाई बिल्कुल,
इथाता वहाँ पे किल ले रहे हैं, साबदा भी वहाँ पे किल ले रहे हैं। एक बार जी एक्स आई स्पोर्ट्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ रही है, लेकिन हम लोग एक बार जी रेवोल्यूशन टीपी की तरफ देखें। जेनुसु जेनुसु की डैमेज देखो भाई, 5 की हील बची है बेचारे की। जी एक्स आई गए, स्वास्तिक बचा है भाई, अभी स्वास्तिक बचा है। ओहो ब्लाइंड असिस्टेंस, ब्लाइंड असिस्टेंस की भी फाइट होती हुई रैम्बो भाई के द्वारा। वहाँ पे एक बंदे का किल और ले लिया गया, यहाँ पे ग्लू वॉल्स ही ग्लू वॉल्स लगा, अल्टीमेटल लॉन्चर्स मारते हुए पीछे से जोकर भाई जरूर से जाएंगे, लेकिन प्लेयर कहाँ है, किसको मार रहे हो बे। निकल लिया भाई लौंडा, लिटरली निकल लिया, क्योंकि प्लेयर तो भाई दिखा नहीं, मुझे भी नहीं दिखा, इनका पता नहीं मुझे भी नहीं दिखा। वाह लो हो गया मैटर, जी एक्स आई फिर से वापस आ गए गाइस। अब होने वाला है भाई घमासान युद्ध, एंड यहाँ पे सरकार स्पोर्ट्स की फाइट होती हुई। सरकार स्पोर्ट्स के सामने वहाँ पे हमें बंदा नजर आ रहा है सनस के, पूरी स्क्वाड होगी। कौन सी टीम है ये, ब्लाइंड नहीं है, जी रेवोल्यूशन भी नहीं है, टीम रुथलेस भी नहीं है, दा बॉयज भी नहीं है, यूबी भी नहीं, मतलब ओके आरसी स्पोर्ट टीम एच वर्सेस सरकार स्पोर्ट्स। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर आगे बढ़ के मारने वाली है सामने टीम को। सिंचो यहाँ पर रश करते हुए नजर आएंगे हम लोगों को, नेट डाल रहे हैं एक बंदे के ऊपर, लेकिन ओहो क्या ही नेट डाला सिंचो ने, एक बंदा डाउन एक बंदा वहाँ पे डैमेज, बहुत ही शानदार नेट सिंचो के द्वारा। एक और बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया, सनज वहाँ पे डाउन पड़े हुए हैं। यहाँ पे रश होता हुआ आरसी स्पोर्ट टीम मैच का, रश होता हुआ गाइस आरसी स्पोर्ट टीम मैच ने रश तो किया है। जय के सामने एक बंदा, जय के सामने भी एक बंदा, उसे भी फिनिश आउट कर देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा खतरे में, चारों प्लेयर को मार देंगे यहाँ। नहीं 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 रीपर भाई, अभी मिश्रा का क्या ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, रीपर को वहाँ पे डाउन कर दिया, फिनिश आउट कर लेंगे। सिंचो भी डाउन करके फिनिश आउट कर दिया गया, सनस सामने पड़े हैं, रिवाइव भी इजीली मिल जाएगा अब तो। एक नहीं दो दो बंदे, 2v2 हो चुका है यहाँ पे। सनस ने वहाँ पे यश को भी फिनिश आउट कर दिया, लेकिन सनस को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। मिश्रा यहाँ से आगे निकल रहे हैं अपने टीममेट को, यहाँ पे बैंडिंग से रिवाइव दे देंगे। आरसी स्पोर्ट टीम मैच के तीन प्लेयर रिवाइव हो जाएगा भाई। इन लोगों ने गलती कर दी, इन लोगों को डायरेक्ट पहले खुला रश करना चाहिए था, उसके बाद कहीं जाके। ओहो टोकन नहीं है अभी मिश्रा के पास, टोकन नहीं है यहाँ पे, दिक्कत हो गई भाई, मैटर हो गया अभी मिश्रा के साथ तो। एंड यहाँ पे WWE संजू अकेले बचे हुए हैं, यहाँ पे आरसी स्पोर्ट टीम मैच के प्लेयर्स ढूंढ तो रहे थे, लेकिन अब देख नहीं रहे तो छोड़ दिया उसे। फोर एच की भी वहाँ पे फाइट चल रही है क्या? यस 4H की फाइट चलती हुई यूबी सरकार के सामने। क्या ही हेडशॉट के साथ यहाँ पे यूबी सरकार ने एक बंदे को डाउन कर दिया। एक और बंदा उनके सामने जा रहा था। आदित्य काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, दो बंदे हैं यहाँ पे, एक बंदा पीछे से फायर दे रहा है यहाँ फ्लिक शॉट के साथ। एक सौ और भाई यहाँ पे किल ले लिया इताता का किल भी उठा लिया गया। यूबी सरकार आगे एक बंदे के ऊपर रश जरूर से कर रहे हैं। हम स्लॉट 12 की तरह देखें तो भाई स्लॉट 12 पूरी की पूरी टीम रिवाइव हो गई। इरेज के ऊपर रश आ रहा है दो बंदों का, यहाँ पे इरेज ही यहाँ पर अकेले हैं। यूबी फ्लिक शॉट यहाँ पे आई थिंक रश कर रहे हैं ना, ये सरकार ने गाइस यहाँ पे किल ले लिया। इरेज का भी एंड फिनिश आउट इजीली कर देंगे। रेड बुल भी स्पोर्ट्स की फाइट होती हुई यहाँ पे एक बंदे को मारा है अभी तक रेड बुल भी स्पोर्ट ने, और वो सरकार स्पोर्ट्स का था आई थिंक। यस गाइस सरकार स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया। सर मैं रजिस्टर करवा के डेली टूर्नामेंट प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, जिससे सब टीमों के साथ साथ मेरे टीम के भी प्रैक्टिस हो। अच्छा भाटी भाई ऐसा कुछ प्लान है क्या? आप मेरे को ना व्हाट्सएप पर DM करो, फिर अपन लोग एक नया स्क्रीन स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस की। चपड़गंजू ऑफिशियल सिस्टम बोलते ये बात सिस्टम। आज वो नूबड़ी मॉडरेटर पता नहीं कहाँ चली गई, इसको अभी मैं बता के आया, आज भाई लाइव पर नहीं आई, और शेयर कौन करेगा इसका बूथ। गाइस जोन देखो,
जोन होता जा रहा है छोटा, लेकिन प्लेयर्स देखो 35 प्लेयर्स अभी तक मैच के अंदर बने हुए, ब्लाइंड असिस्टेंस आगे बढ़ते हुए अपने चारों बंदों को लेके जोन के अंदर। जी रेवोल्यूशन टीपी के ठीक पीछे यहाँ पे ब्लाइंड असिस्टेंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट होने वाली है जी रेवोल्यूशन वर्सेस ब्लाइंड। नहीं, बहुत आगे निकल गई क्या? नहीं, गलत बोल रहा ब्लाइंड के प्लेयर्स आए तो जरूर थे लेकिन निकल रहे हैं, डायरेक्ट जोन कवर करेंगे ब्लिजर्ड स्काउट। सभी लोग गाड़ी से। एंड यूबी सरकार के द्वारा यहाँ पे यार रेड बुल्स के प्लेयर्स को मारा जा रहा है। जीबी सोहेल यहाँ पे डाउन हो जाएंगे आई थिंक जोन से ही, जीपी सोहेल यहाँ पे जोन से ही डाउन हो जाएंगे यूबी सरकार के द्वारा, लेकिन यूबी सोहेल को भी प्रेशर। एंड रेड बुल भी स्पोर्ट्स को देखते ही देखते बैक टू लॉबी का रास्ता दिखाते केजी स्पोर्ट्स के। एंड यहाँ पे 4H स्पोर्ट्स दो टीमों ने भाई फायर दिया है, 4H स्पोर्ट्स एंड केजी स्पोर्ट्स। ब्लाइंड आरडब्ल्यू आ गए, ब्लाइंड ने भाई क्या ही पोजीशन पकड़ी है सही बताऊं तो। गॉड गया गाइस, केजी स्पोर्ट्स का गॉड गया, केजी स्पोर्ट्स से गॉड गया। वासु यहाँ बैठ के भाई क्या ही लूट कर रहा था बैठ के, लेकिन संजू को यहाँ पे जोन से ही शायद से खत्म हो गए संजू। ओह केप टाउन पे रिवाइव दिया है लॉन्डे ने भाई, लिटरली टीम को रिवाइव भी कहाँ से दिया है लॉन्डे ने भाई, गॉड हग रहा है आज। हाँ गॉड पता नहीं क्या कर रहा है बे गॉड आज भाई, तेरे को मैं बाद में बताता, तू आज गलती बहुत कर रहा है। ओके हाइड्रा के ऊपर रश हो चुका है, अल्टीमेट लॉन्चर्स आते हुए बैक टू बैक, टीम रुथलेस पहुंच चुकी है गाइस केजी स्पोर्ट्स के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लाइंड असिस्टेंस भी थी, तो ब्लाइंड असिस्टेंस के प्लेयर कहाँ चले गए? टीम रुथलेस को अभी तक देख नहीं पाए क्या ब्लाइंड असिस्टेंस? हाँ पहुंच गए ब्लिजर्ड भाई के सामने, वहाँ पे बंदा रैम्बो ने बिल्कुल सीधा रश करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो बंदा पीछे की साइड भाग रहा है। एक और बंदा वहाँ पे स्वॉर्ड के लिए डैमेज तो थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। जोकर भाई यहाँ पे पीछे की साइड अभी भी बैठे हुए हैं कि कोई प्लेयर ना यहाँ पे। ओहो क्या ही हेड शॉट स्काउट के द्वारा लगते हुए, क्या ही हेड शॉट लगाया एंड वाला प्लेयर तो भाई बचना बहुत ही मुश्किल। ब्लिजर्ड भाई को वहाँ पे डाउन कर दिया, एक बंदे का रश हुआ है यहाँ पर, रैम्बो को भी डाउन कर दिया गया। स्काउट के ऊपर दो बंदों का रश हो चुका है यहाँ पे, स्काउट काफ़ी ज़्यादा डैमेज, इनको भी डाउन कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ब्लाइंड असिस्टेंस यहाँ पे खतरे में होने वाले हैं, जोकर भाई अकेले बचे हुए कहीं ना कहीं ब्लाइंड असिस्टेंस को दिक्कत होने वाली। टीम रुथलेस ने यहाँ पे सही किल निकाल लिए, पुलिस स्क्वाड को मार दिया भाई। ये क्या हुआ, मैंने वासु को डायरेक्ट मारा बट पूरा टीम जिंदा था, ये वो संजू जिंदा था भाई। लो भाई हो गया मैटर, टीम रुथलेस को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया आरसी स्पोर्ट टीम मैच ने। एंड सिंजो को देखो गाइस, 6 किल के साथ अकेले लौंडा साला स्कूल से कब आया। और यहाँ इरेस को देखो ना, इरेस भी 7 किल के साथ है। सामने एक और बंदा यहाँ पे हेड शॉट के साथ डाउन कर दिया, किल भी उठा लेंगे काफी इजीली। आरसी स्पोर्ट टीम मैच, यश के सामने दो बंदे, आरसी स्पोर्ट टीम मैच के पास भाई किल लेने का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। यहाँ से सिंजो ने एक बंदे को यहाँ पे अभी शायद से डाउन किया था, एक और बंदा उनके सामने नजर आएगा रीपर के द्वारा उसे भी डाउन कर दिया जाएगा काफ़ी ईजिली। किल लेते जा रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रा ने भी शायद से वहाँ किल दिया या फिर हाइड्रा को एलिमिनेट किया है। यस हाइड्रा को एलिमिनेट कर दिया, संजू वहाँ पे डाउन पड़े हुए, वासु अकेले बचे हुए हैं जोन के अंदर। आरसी स्पोर्ट टीम मैच के ऊपर भाई क्या ही एडवांटेज है यहाँ पे। और वासु भी वहाँ पे एलिमिनेट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हो गई। केजी स्पोर्ट्स इस बार क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि सभी टीम्स का जो गेम प्ले है भाई नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ओहो एक और किल रीपर के खाते में जोड़ लीजिए, एक और बंदा उनके सामने नजर आ रहा है, 20 का डैमेज क्या पड़ रहा है भाई इधर से। क्या बात है, क्या ही पोजीशन पकड़ी है यहाँ पे आरसी स्पोर्ट टीम मैच ने, बैक टू बैक किल्स लेते हुए यश को यहाँ पे डाउन कर दिया था, लेकिन इनको रिवाइव मिल जाएगा। एक और बंदा इनके सामने हमें नजर आ रहा है, उसको भी काफी बड़े डैमेज दिया है सिंजो।
सिंजो वहाँ पे रश करते हुए यहाँ पे फ्लीस बैंक फेंका है, गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा है बंदा सामने, एक और बंदा इताता को उसे भी डाउन कर दिया, इताता को भी डाउन कर दिया, एक और बंदा पीछे से आ रहा है यहाँ पे मेल्टर का यूज़ करते हुए सिंजो, सिंजो यहाँ पे मेल्टर का यूज़ करते हुए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जोन पीछे है एंड सिंजो गलती कर रहे हैं, बंदों के ऊपर रश नहीं करना चाहिए था, इनको पीछे चले जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे अगर पीछे से भाई फायर आया इनकी टीम का मस्त, यस यस यस, ये बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे पीछे से क्या ही कवर दे रहा है यश, लेकिन यहाँ पे सिंजो को डाउन कर दिया गया, कहीं ना कहीं रीपर अकेले बचे हुए हैं। ओहो क्या ही हेड शॉट दिया है भाई यश ने, क्या ही हेड शॉट के साथ एक और बंदे को यहाँ पे डाउन करके फिनिश आउट कर दिया, 1v2 1v2, लास्ट प्लेयर कौन सी टीम से बचा है भाई यहाँ पे, ओहो ब्लाइंड असिस्टेंस, ब्लाइंड असिस्टेंस, जोकर भाई हमारे अभी तक बचे हुए हैं, क्या 1v2 निकाल पाएंगे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। चलो इन्हीं के ऊपर कैमरा रखते हैं हम लोग, क्या RC स्पोर्ट टीम मैच या फिर ब्लाइंड असिस्टेंस, जोकर भाई अकेले बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर निकालने की क्षमता तो इनके अंदर भी है, लेकिन दो बंदों का जो अभी मैच चल रहा है ना भाई उसके अकॉर्डिंग उनका फायर बहुत तगड़ा दिख रहा है हमें, क्योंकि जोकर भाई ने अभी तक इस मैच में किल नहीं किया, उनकी टीम से भाई किल देखो, अकेले यश के 4 किल एंड रीपर के 5 किल, सिंजो के 7 किल लिटरली। हेलो वेलकम टू चपड़गंज ऑफिशियल लाइव, मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर, यस यस यस, चैट करने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, PG टाइगर को क्या हो गया पता नहीं भाई, पता नहीं चपड़गंज ऑफिशियल सिस्टम बोलते हैं। यस जोकर भाई भी अब यहाँ पे रश हो चुका है, एक बंदे में काफ़ी ज़्यादा डैमेज, एक बंदे को डाउन भी कर दिया, यहाँ पे एक और बंदा बचा, बस यश को भी मारना है जोकर भाई, 1v2 हो जाएगा, फिर पहले रीपर का किल ले रहे हैं, बहुत हरामी है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जोकर भाई को हो सकती है, क्योंकि जोकर भाई थोड़ा सा नीचे की साइड से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे मेल्टर्स आते हुए, इनको ऊपर जाना है, ऊपर हाँ ग्लू वॉल होना चाहिए बस, यस यस बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ बैंक, क्या 1v2 हो पाएगा जोकर भाई के द्वारा, गैस चैट में बता दो जल्दी से बताओ यहाँ पे 1v2 होने वाला है कि नहीं, अब तो 1v1 बचा है, बताओ जल्दी 1v1 होगा कि नहीं, ओहो हो क्या बात है क्या बात है, यश में काफ़ी ज़्यादा डैमेज लगा है, यहाँ पे गेम हमारा लैग हो गया, जोकर भाई को भी यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया गया, क्या गेम प्ले यश, क्या ही गेम प्ले यश का, लिटरली भाई नेक्स्ट लेवल गेम प्ले यश भाई का, नेक्स्ट लेवल, वाह वाह वाह, देखो कितने हरामी लोग हैं, पहले यस यस लिख दिया फिर नो नो लिख रहे हो, वाह 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 वाह, ना नहीं वाह 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 वाह, ओहो किल देखिए गाइस, टीम मैच ने ब्लाइंड असिस्टेंस 5 किल के साथ सेकंड पोजीशन, और भाई ये कौन सी टीम है 16 किल के साथ गाइस थर्ड पोजीशन लिया हमारी SM ब्लैक स्क्वाड 4H Esports 16 किल के साथ फोर्थ पोजीशन, दा बॉय 6 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन, GRevolution TP 6-3 9 किल के साथ सिक्स पोजीशन, KG Esports 2 किल के साथ सेवन्थ पोजीशन, टीम रुथलेस 3-3-6-7 किल के साथ एट पोजीशन, GXI Esports थोड़ी सी गलती कर रहे हैं भाई, टेबल टॉपर थी 1 किल के साथ 9th पोजीशन, रेड बुल भी स्पोर्ट 2 किल के साथ 10th पोजीशन एंड सरकार स्पोर्ट्स का गेम प्लेयर थोड़ा सा खराब होता गया 2 किल के साथ 11th पोजीशन, टी ये कौन सी टीम थी, हाँ 4 Destroyers 1 किल के साथ 12th पोजीशन, स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या, हाँ हाँ पार्थ भाई बड़े हरामी हो बेटा, पहले यस यस लिख दिया कि हो जाएगा उसके बाद नो 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 नो, क्या बात है आइकॉनिक, क्या बात है, ये गरीब है ना कौन, ये किलर है वो किलर, हाँ ये नहीं खेलता क्या, दा बॉयस प्लेयर आ रहा है नहीं आ रहा भाई, 7 सेकंड तो रुक जाओ यार, तुम लोग तो स्टार्ट कर रहे हो यार, मेरे को तो भाई देख लेन दो पहले, लो स्टार्ट लगे पड़े हो, बाजी पलट लिया साला, रुको गाइस मैं अभी आया वॉशरूम से, ठीक है
चलो वापस आ गए गाइस हम लोग, और यहाँ पर मैच 5 लॉबी 2 ब्रेकर्स कप 3 मैच 5 प्रगति के मैदान पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे सरकार स्पोर्ट्स सबसे पहली टीम, इन्होंने लैंड कर लिया यहाँ पे ब्राज़ील के ऊपर। 4 डिस्ट्रॉयर्स हमारी फोर्ज एंड स्काई लॉज की तरफ। GXI स्पोर्ट्स भी ब्राज़ील के ऊपर। ब्लाइंड एसोसिएशंस मोथाउस जा रही है। जी रेवोल्यूशन टीपी क्रॉस रोड की तरफ आगे बढ़ रही है। टीम रुथलेस केम साइड पे बैठी हुई है। एंड KG स्पोर्ट्स, यस यहाँ फाइट देखने को मिलती है गाइस। यहाँ पे तीन स्क्वाड एक साथ कूदी है। इस बार कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। गॉड के सामने हमें एक TA कैप्टन नज़र आए थे। यस कैप्टन नज़र आए थे। एंड कैप्टन को यहाँ पे गॉड ने डाउन भी कर दिया, लेकिन वहाँ पे उनकी टीम से संजू को डाउन कर दिया गया। हाइड्रा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, संजू को वहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा। अभी मिश्रा के द्वारा एक और बंदा गॉड के सामने पहले डाउन तो किया था, लेकिन भाई यहाँ पे गॉड को भी डाउन कर दिया। एंड हाइड्रा ने रश कर दिया हाइड्रा को भी डाउन कर दिया। वासु भाई 8 HP से बचे हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पे KG स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आने वाली है। हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ एक बार देखें। अभी मिश्रा, जय वीर, ओहो भाई यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स को देखते ही बैक टू लॉबी बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट कर दिया गया। टीम रुथलेस ने इस बार फायदा उठा लिया। 3 स्क्वाड के बीच में लॉलियट भाई, क्या नाम है तुम्हारा, लॉलियट है ना, जो भी नाम है, इन्होंने भाई इस बार फायदा उठा लिया। अकेले यहाँ पे लैंड किया है, सरकार स्पोर्ट्स को बाहर पहुँचा दिया। और GXI को एक बार देखें तो GXI नीचे की साइड कूदी हुई है। कहीं ना कहीं GXI के ऊपर अब एडवांटेज नहीं रहा है, क्योंकि एक ही प्लेयर है उधर। एक किल लेके क्या करते, पहले क्लैश में कूदते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन GXI का बहुत ही बढ़िया डिसीजन, इन लोगों ने बिल्कुल सेफ लैंडिंग की है, बिल्कुल भी वहाँ पे क्लैश अनभसड नहीं मचाई है जैसे KG एंड सरकार स्पोर्ट्स ने कर दिया एक साथ। एंड वहाँ पे उनको नतीजा देखने को भी मिला, पहले आपस में भिड़ गए, उसके बाद एक प्लेयर आके उनकी टीम को ख़त्म करके चला गया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, वापसी करेंगे। एक लास्ट मैच है। क्या लगता है गाइस टॉप 6 कौन सी टीम होने वाली है जो यहाँ पे क्वालिफाई करके आगे ग्रैंड फाइनल में जाएगी आज? क्योंकि कुछ टीम्स में अगर नाम लूँ तो देखो, एक सरकार स्पोर्ट्स है, उसका मेरे को लगता है हम लोग पहले फाइट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे ब्लाइंड एसोसिएशंस की फाइट होती हुई, स्काई आउट यहाँ पे डैमेज दे रहे थे बंदों में। यस पीछे उनके बंदा है, यहाँ पे जोकर भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज। स्काउट पीछे से जा रहे रश करने के लिए। जोकर भाई डैमेज है। ब्लिजर्ड यहाँ पे लैंड लेते हुए, दो बंदे उनके सामने हमें नज़र आएंगे। एंड स्काउट यहाँ पे ब्लिजर्ड भाई के साथ यहाँ पे रश करेंगे। एक ट्रॉगन आ चुका है, पीछे से एक और बंदे का रश हो चुका है। स्काउट को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। ब्लिजर्ड भाई के सामने दो बंदे यहाँ पे, एंड ब्लिजर्ड भाई भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे। ब्लिजर्ड भाई को भी दादा के द्वारा डाउन कर दिया, 1v2 कर दिया यहाँ पे दादा ने, तो अकेले ही मार रहा है लौंडा। जोकर भाई यहाँ पे अपना लैंड माइन लगा के पीछे की तरफ जा रहे हैं। #असॉल्ट ब्रेकर्स नहीं खेल रही। ओहो इस बार ब्लाइंड एसोसिएशंस थोड़ा सा खतरे में हो सकती है, क्योंकि रैम्बो को भी वहाँ पे फिनिश आउट कर दिया जाएगा। जोकर भाई हमारे लिटरली अकेले बचे हुए अपनी टीम से, यहाँ पे दिक्कत होने वाली है इस ब्लाइंड एसोसिएशंस को। एंड हम लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि भाई कोई बोलता है कि स्ट्रीम स्नाइपर का कोई सीन नहीं है, लेकिन इसीलिए दिखा नहीं रहे, छोड़ो। स्लॉट 12 की तरफ अगर हम लोग देखें, ओहो कर दिया भाई ब्लाइंड असिस्टेंस को भी बाहर। बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया। हो इरेज ने यहाँ पे लैंड माइन नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। GXI ने भी यहाँ पे एक बंदे के ऊपर रश किया है, ग्रेनेड से डाउन किया था। एंड यहाँ पे UK को डाउन कर दिया बंदे ने। प्रॉब्लम है तो मैं जाता हूँ, रात को मिलते हैं, ओके बाय। प्रॉब्लम मतलब समझा नहीं मैं। अगर आपको कुछ काम है तो आइकॉनिक भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो क्यों जा रहे हो भैया। ओहो कपिल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो आया सामने वाले बंदे की तरफ से। कौन सी टीम है यहाँ पे,
यस देखा, मैंने कहा था ना केजी स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया गाइस। यस जी रेवोल्यूशन वर्सेस यहाँ पर जी एक्स आई शायद से, यस जी रेवोल्यूशन वर्सेस जी एक्स आई, यहाँ पर दोनों ही टीम में चार चार प्लेयर अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा फैमिली, ओके ओके कोई बात नहीं। नेजुको, नेजुको को वहाँ पे डाउन कर दिया, जेनुसु को भी वहाँ पे डाउन कर दिया गया। जी रेवोल्यूशन राज ने वहाँ पे किल लिया है, ईयर ईयर यहाँ पे रश कर रहे हैं एक बंदे के ऊपर, पीछे से दोबारा से आया एंड राज को भी वहाँ पे फिनिश आउट कर दिया गया। स्वास्तिक को रिवाइव मिल जाएगा, स्वास्तिक को तो रिवाइव मिल जाएगा। जी रेवोल्यूशन टीपी भी यहाँ पर थोड़ा सा, ओहो ओहो रिवाइव दे दिया साबदा ने शायद से, यस साबदा ने वहाँ पे रिवाइव दे दिया नेसुकू, जेनुसु और जी रेवोल्यूशन राज दोनों के दोनों डाउन पड़े हुए हैं। जी एक्स आई स्पोर्ट्स का इस बार कम बैक हो रहा है, एक और बंदा ईयर के सामने, ईयर को वहाँ पे डाउन कर दिया, ईयर को वहाँ पे डाउन कर दिया एंड फिनिश आउट इजीली साबदा ने कर दिया। यूके बहुत ही बढ़िया वहाँ पे पीछे से पहुँच चुके अपने किल के ओर लेकिन किल थोड़ा सा मुश्किल। ओहो लैंड माइन, लैंड माइन से थोड़ा बच के अपना ही लैंड माइन फोड़ लिया शायद से एंड पीछे से अभी भी भाई मारा नहीं। स्वास्तिक ने किल लिया लेकिन थोड़ा सा लेट लिया स्वास्तिक आपने। रेड वुल्फ इस बार पोजीशन के लिए खेल रही है आई थिंक, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है एंड हर तरफ से देख रही है कोई बंदा आएगा तो मारेंगे वरना अभी छोड़ो। फ्लिक शॉट के आई थिंक फायर चल रही है, फ्लिक शॉट यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज। सभी टीम सेफली खेल रही है। ओके हिताता को यहाँ पे डाउन करके फिनिश आउट कर दिया, यूवी सरकार को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया, वहाँ पे संजू ने रश किया, संजू ने रश तो किया है, एक और बंदे ने वहाँ पे आदित्य ने भी रश कर दिया सामने बंदा एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज आदित्य के द्वारा, इस बंदे को भी डाउन करके फिनिश आउट कर दिया जाएगा। गियर एलेक्स, गियर एलेक्स क्या नाम है भाई तुम्हारा यार, थोड़ा इजी पीजी नाम रखा करो, देखो यूवी सरकार वाई टी यूवी फ्लिक शॉट ऐसे रख दो भाई तब भी पढ़ लेंगे यार। गियर लीग एक्स पता नहीं क्या रख दिया आपने, मेरे को समझ नहीं आया। सुपरमैन ठीक है, देखो सुपरमैन को फ्लिक शॉट ने फिनिश आउट कर दिया। स्लॉट 12 जो सिर्फ और सिर्फ इरेज अकेले बचे, इरेज के ऊपर भी यहाँ पे क्या ही एड शॉट लगा रहा है इरेज, इरेज यहाँ पर क्या ही एड शॉट लगा रहा है भाई। हम लोग तो बोल रहे थे रश होगा लेकिन यहाँ पे इरेज ने क्या ही एड शॉट लगाया लॉन्ग के अंदर ये बात। लेकिन गाय संजू के द्वारा यहाँ पे इरेज को भी फिनिश आउट करके स्लॉट 12 SM ब्लैक स्क्वाड को फिनिश आउट कर दिया। RW प्रथम ने आए थे यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया, एक बंदे को यहाँ पे डाउन किया, यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के निकल लिए लौंडे, लॉन्च पैड लगा के निकल लिए लौंडे यहाँ से एंड कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं हूँ तो ये दा बॉयज थी, दा बॉयज थी साजिद एंड पैंथर। ओह पैंथर, पैंथर ने लॉन्च पैड लगाया ऊपर पहुँच गए एंड हाइट पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है पैंथर को। टीम रुथलेस भाई कहाँ गया भाई, मॉडरेटर लाइव शेयर कर दे। एक सेकंड गाइस, पीछे उतर रहे दो बंदे, जल्दी आओ अभी, जस्ट दो बंदे उतर रहे सामने। इधर दो बंदे उतर आ जाओ, साबदा ओहो यहाँ पे ची रेवोल्यूशन के प्लेयर्स कोई मार रहे, हम लोग अपोजिट को नहीं दिखा रहे। गाइस इस नूबड़े को देखो, देखो नूबड़े को देखो, देखो जोकरो वाला खुद तो जोकर है ही, जोकरो वाला फेस भी लगा लिया बॉट ने, देखो परेशान करें इसे।
देखा जोकर वाले को कह रहा है कौन इमोजी कर रहा है नूबड़ा। देखो क्या दे रहा है, टट्टी कर रहा है या बैठ के। अब हम प्रथम को परेशान करेंगे, अभी देखना पीछे से उसके माइक से आवाज आएंगी, गालियां देगा प्रथम। साले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूसरे को करेंगे। अबे भाई क्या गन है भाई, ये क्या गन पिन करके गया लौंडा। लिटरली 3 लेवल की वाली गन बहुत गजब की चलती है। इस बॉट को देखो, जोकर को एक शॉर्ट गन ले ली, एक M60 ले ली, जैसे कहाँ के प्रो प्लेयर हो नुबड़े कहीं के। बाकी के प्लेयर्स देखो कम से कम एक एक किल तो करके बैठे हैं, ये से देखो साले को। यार फाइट करो, हो यूवी फ्लिक शॉट अकेले बचा। लैंडमाइन देख लो सर, लैंडमाइन देख लो। हो अपनी टीम को रिवाइव कर दिया यहाँ पे। फ्लिक शॉट पे रश हो गया यहाँ पे, दिक्कत होने वाली है फ्लिक शॉट को। कंटिन्यूसली ग्लू बॉल ब्रेक कर रहे हैं भाई प्लेयर्स, तो यहाँ पे मौका नहीं देंगे बिल्कुल। एक मैडी मार लें दो फ्लिक शॉट भाई कह रहे हैं। अभी रुको मैं बताता तुम्हें। अब ग्लू बॉल फोड़ो, अब तुम्हारे को मैं बताता। अरे अभी तक ग्लू बॉल नहीं फोड़ा इन लोगों ने। सरकार भाई ने लैंड लिया और क्या ही हेड शॉट के साथ एक बंदे को डाउन कर दिया। रीपर फिनिश आउट भी कर दिया गया, फ्लिक शॉट को वहाँ पर डाउन कर दिया गया, यहाँ पे यूबी सरकार ने शायद से एक और बंदे को डाउन करके फिनिश आउट कर दिया। जय भी फिनिश आउट, एक और बंदा उनके सामने। सिंजो ने रश कर दिया पीछे से। फोर एस संजू भी यहाँ पे रश कर रहे हैं एंड वहाँ पे सरकार को डाउन कर दिया। संजू को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। आदित्य अकेले बचे अपनी टीम से। RC स्पोर्ट टीम मैच पूरी की पूरी रिवाइव हो चुकी है। ओहो सिंजो को भी डाउन कर दिया वहाँ पे। सिंजो रिवाइव हो गए। आदित्य ने नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिखाया। गाइस एक और बंदा टीम रुथलेस के, 3 बंदे आई थिंक। अब क्या ही मार रहा है भाई आदित्य के, गाइस किल दे के बैक टू बैक किल आ रहे। ओहो क्या ही मार रहा है भाई, लेकिन वहाँ पे एलिमिनेट हो गया लौंडा भाई। वरना किल देखो गाइस उसके, आदित्य कहाँ गया। 8 किल भाई, वहाँ पे सिर्फ 2 किल थे, साले ने 6 किल ले लिया वहाँ पे अकेले। एंड GXI Esports इस बार फिर से वापसी कर रही है। टाइगर को वहाँ पे डाउन कर दिया, ईयर भी यहाँ पे डाउन पड़े हुए हैं। टाइगर को डाउन किया था, रिवाइव मिल गया है। पहाड़ी यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं। सोहेल ने यहाँ पे रश कर दिया एंड किल्स बटोर रहे हैं पीछे से। एक और बंदे रश कर दिया यहाँ पे। प्रथम कंटिन्यूसली फायर तो दे रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पे। दो बंदे हैं। यस स्वास्तिक डाउन। अरे मार सकते हो भाई। लो डेनवर टीम रुथलेस आ गई ऊपर से, टीम रुथलेस भी आ चुकी है। 3 बंदे यहाँ पे प्रथम के सामने। 1v4 ही होगा यार तो। यस 1v4 सिचुएशन यहाँ पे प्रथम के ऊपर। एक आध किल मिल जाए तो बहुत है भाई, क्योंकि स्नाइपर है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। वैसे मारने को मार भी सकते हैं भाई, स्नाइपर प्लेयर आजकल अच्छे अच्छों को उड़ा देते हैं मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे शायद से लॉन्चर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन रश हो चुका है प्रथम के ऊपर। यूजी से काफ़ी बड़े डैमेज, लेकिन लॉब लिलिट के द्वारा इनको फ्रेश आउट करके बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा दिया। एंड इसी के साथ टीम रुथलेस ने ले लिया है। बुया। वहाँ पे गाइस आदित्य का गेम प्ले देखा आप लोगों ने, लिटरली आदित्य ने भाई जो वहाँ पे बंदे मारे ना भाई बैक टू बैक, M10 से जो किल ले रहा था लौंडा, मैं फैन बन जाऊँगा ऐसे तो। टीम रुथलेस यहाँ पर गाइस 9 किल के साथ। बुया। रेडबुल ई स्पोर्ट 4 किल के साथ सेकंड पोजीशन। GXI Esports
6-5 11 किल के साथ थर्ड पोजीशन, जी रेवोल्यूशन टीपी 1 किल के साथ फोर्थ पोजीशन, 4H स्पोर्ट्स 17 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन, RC स्पोर्ट टीम H 4 किल के साथ सिक्स पोजीशन, दा बॉयज 0 किल के साथ सेवन पोजीशन, 5 किल के साथ SM ब्लैक स्क्वाड 8 पोजीशन, KG स्पोर्ट 3 के साथ 9 पोजीशन, ब्लाइंड एसोसिएशन 1 किल के साथ 10th पोजीशन, 4 डिस्ट्रॉयर 0 किल के साथ 11th पोजीशन एंड सरकार स्पोर्ट 3 के साथ बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट। हेलो हेलो वॉलॉर्ड भाई, क्या हाल चाल? और पार्थ भाई, इस वाले मैच में तो टीम ने थोड़ा सा ठीक खेला है, बस किल और होना चाहिए था वैसे। भाई रूम दूसरा बनेगा क्या? अबे भाई ये क्या सीन हो गया? कस्टम तो इसमें 5 ही थे रे। रुको रुको रुको, मैं नया रूम बना के दे। लो भाई IDP दे रहा, न्यू IDP दे रहा भाई। इतने मैसेज नहीं करो रे। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, टाइपिंग होने लगी है थोड़ा बहुत। ना सारू दे रहा ना IDP दे। यार गाइस सारे स्लॉट में बैठना प्लीज, एंड स्लॉट वाइज बैठना, मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो भाई, देख लेना। मुझे भी खिला लो इस गरीब को। अरे वॉलर्ड भाई, मेरी टीम तो खेल ही नहीं रहे भाई, वो प्रथम की टीम से खेल रहा पहाड़ी। इसकी टीम होगी। तो भाई ओ भाई, ऐसे इस कदर एंट्री ली जा रही है ना भाई, मैं क्या बोलूं। आ तो गई ब्लाइंड डिसीजन। चलो स्लॉट 11-12 ठीक है, KG स्पोर्ट ठीक है, जी रेवोल्यूशन TP के प्लेयर्स एक अलग ही स्लॉट में बैठा हुआ है। फोर एच भी ठीक है, ये भी पहाड़ी को बॉट पंती कर रहा है। किसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे और कितने तुषार अप्रॉक्स? भाई आज के पॉइंट्स देखोगे तो मेरे को लग रहा है 100 क्रॉस करेंगे, 105-110 के अप्रॉक्स हो सकते हैं भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी टीम का इतना भी अच्छा गेम प्ले नहीं किया कि 120-129 पार हो जाए। बाकी कुछ पता नहीं है भाई। भाई बाकी के दो टीम कहाँ रह गई? स्लॉट 8 कौन सी है? स्लॉट 8 100 ऊपर गई होगी कोई। हाँ 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 किलर भाई, बिल्कुल गॉड भाई, जाएगी। 87 किसके पॉइंट? 87 स्लॉट 8 2 3
छोड़ने आ गई। देख लूँ कौन कौन सी है भाई, बाद में मेरे से बोलेंगे वो। फोर डिस्ट्रॉयर्स है, GXI है, GXI आ गई। दा बॉयज ने एंट्री नहीं ली, दा बॉयज एंट्री लो भाई। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? धोनी भाई मस्त है भाई, रैम्बो नूबरा का क्या हाल गेम में। धोनी भाई देखो मैं रियलिटी बताऊँ तो एवरेज गेम प्ले गया है आज का, मस्त गया है और बेकार भी नहीं गया, सही भी नहीं गया, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल जहर गया या फिर बिल्कुल ख़राब गया, बिल्कुल एवरेज है। हम तो हक दिए, 5 गेम में 42 है सिर्फ, फिर तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। गॉड भाई इसके बाद प्रैक्टिस रूम बना देना ठीक है, अगर भाई भाटी भाई पक्का बना दूंगा अगर टाइम हुआ, मतलब टाइम बचा तो। हमको कॉल कर रखे कह रहा सब बंदा चूतिया जैसे खेल ओ भाई टॉप कितने को प्राइस? अरे टॉप फोर भाई। स्लॉट 8 वाले और स्लॉट 2 वाले एंट्री लोगे कि नहीं लोगे भाई? कौन बोल रहा है? रुको भाई, मैं दोनों प्लेयर से भाई एक बार पूछ लेता एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे। नो प्लेयर ऑफलाइन, सॉरी फॉर दिस। ओके ओके चलो भाई, 10 टीम्स के साथ हम लोग अपना आज का लास्ट मैच स्टार्ट करने वाले हैं। पहले रैंडम बॉटों को किक कर लें दो। स्टार्ट होस्ट भाई, रुको 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 कर रहा भाई, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। बाय बाय। क्या अब चला चैट पढ़ ली जाए? हाँ अभी 70+ करना पड़ेगा ये गेम तो ही होगा 70+। हाँ मतलब पॉइंट 70+, मैं कह रहा हूँ एक गेम में भाई तुम 70+ पॉइंट करने वाले हो क्या? फिफ्टी फोर पॉइंट हुआ है उसका, हक दिया। अच्छा 54 ही पॉइंट है तो दिक्कत आ जाएगी। टर्निप का लिंक देना, कहाँ बैठे हो? अरे सरकार भाई आप ज्वाइन करोगे क्या? हेलो हाँ तुषार भाई बोलो, वॉलर भाई हेल्प, मेरी टीम का पॉइंट कितना है? अरे सरकार भाई आपकी टीम का पॉइंट भाई ऐसे मैं काउंट कैसे करके बताऊं, बट इतना भी बेकार नहीं गया आपकी टीम का गेम प्लान, अच्छा भी इतना नहीं गया, बहुत आज थोड़ा सा ख़राब हो गया आपकी टीम का ये गेम। कुछ टीम बहुत अग्रेसिव खेलेगा, चलो देखते हैं। सर ये फाइनल्स है, इसके बाद कोई और मैच तो नहीं है? अरे नहीं अभी तो सिर्फ आज के लिए इतना ही है। भाभी कहाँ है सर? भाई भाभी पता नहीं, धोनी भाई
उसको नूबड़ी को मैंने बोला कि सबको स्ट्रीम शेयर करने को, स्ट्रीम शेयर करने की जगह लग रहा है मैच खेल रही है, उसकी मम्मी हिमाचल गई है तो आज गेम खेल रही है शायद से। ओके चलो गाइस, काला आरी के मैदान पे हमने स्टार्ट किया है सरकार स्पोर्ट्स के साथ साथ। यहाँ पे दो टीम कूदी है या फिर एक ही टीम कूद रही है? सरकार स्पोर्ट ने यहाँ पे लैंडिंग कर तो लिया है, लेकिन फाइट बड़ी घमासान होती है यहाँ पर। एक बार फिर से दामेज के ऊपर हम लोग फाइट देखते हैं। फैब रोहित वहाँ पे किल ले लिया एंड वो हो प्रथम रेडबुल भी स्पोर्ट्स भी यहीं पर लैंड किया है। जीपी सोहेल ने वहाँ पे किल लिया, केजी स्पोर्ट्स ने भी यहीं पर लैंडिंग किया है। फैब रोहित का टाइगर का किल आ चुका है। पहाड़ी सोहेल ने भी यहाँ पे एक और किल ले लिया। सोहेल ने यहाँ पे दो किल ले लिए। पहाड़ी बचे हुए हैं, पहाड़ी यहाँ पे रिवाइव दे देंगे शायद टीममेट को अपने। केजी स्पोर्ट्स को देखें तो केजी वासु एंड संजू अकेले बचे हुए अपनी टीम से। दाम है इसके ऊपर अभी भी है सरकार स्पोर्ट्स यहाँ पर। केजी स्पोर्ट्स को मौका नहीं देगी, लेकिन सनस को वहाँ डाउन कर दिया। इताता के द्वारा पे सनस को डाउन कर दिया गया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर चार टीमें आई थी भाई, चौथी टीम है ये SM ब्लैक स्क्वाड के प्लेयर्स। अभी मिश्रा इनका गेम प्ले देखते हैं गाइस। यहाँ पे अभी मिश्रा देखो, मैंने कहा था भाई अभी मिश्रा ने देखते देखते एक बंदे को डाउन कर दिया, एक और बंदा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हाई डैमेज अभी मिश्रा के ऊपर आता हुआ। फैब रोहित नीचे से निकल रहे हैं भाई, जयवीर भी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मिश्रा हम डायरेक्ट फिर एक बार पढ़ते हैं। ओहो अभी मिश्रा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। इताता क्या नाम है, कियर एलेक्स भाई का यहाँ पर पीछे से जाते हुए, लेकिन RW प्रथम ने वहाँ पे एक बंदे को फिनिश आउट कर दिया। यहाँ पे तीन बंदे और है, अगर प्रथम थोड़ी सी गलती ना करे तो यहाँ पे किल काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। GP सोहेल पे पीछे से फायर आता हुआ, RW प्रथम यहाँ पे अकेले, GP सोहेल अकेले अलग घूम रहे, सॉरी अलग नहीं है ये भी इसी के साथ है। ले भाई गद्दारी कर बे, अरे सही में गद्दारी कर बे भाई। वहाँ भाभी आज तुम्हारी मैच खेल रही है, चार टीम। लो गाइस हो गया मैटर, 4H स्पोर्ट्स को देखते ही देखते बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट कर दिया गया है। 4H स्पोर्ट्स को देखते देखते वहाँ बॉटम में एंड पहाड़ी को यहाँ पे डाउन कर दिया, पहाड़ी को यहाँ पे डाउन किया फिनिश, और जयवीर के द्वारा वाला किल ले लिया गया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रथम भी वहाँ पे एक डाउन कर रहे हैं। प्रथम भी डाउन हो चुके हैं, GP सोहेल अकेले बचे हैं, RW यहाँ पे रेडबुल वी स्पोर्ट्स से सिर्फ और सिर्फ सोहेल बचे हुए सामने उनके एक और बंदा, लेकिन यहाँ पर गाइस रेडबुल वी स्पोर्ट्स को भी बैक टू लॉबी करा था दिखा दिया। SM ब्लैक स्क्वाड यहाँ पर आके पाँच किल ले गई एंड कहीं ना कहीं KG स्पोर्ट्स से वासु तो फिनिश आउट हो गए, लेकिन संजू अभी भी बचे हुए मैच के अंदर। जयवीर एंड फेब्रोहित यहाँ पे पहले ही निकल गए थे, दिक्कत नहीं होगी अब। कहा था अग्रेसिव खेलेगी टीम्स, हाँ भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल खेला टीम ने। ब्लाइंड असिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलते, ओहो जी रेवोल्यूशन TP सब साहब जादे है ना, यही नाम है क्या भाई तुम्हारा? अगर यही नाम हो तो भाई सही से मेरे को। नूब सोहेल भाई रहता वहीं रहता, अच्छा सही बात है, पहले थोड़ा देख लेते यार बंदे का, या तो निकल लेते पहले, क्योंकि भाई तुम्हारी टीम के हो गया था काम पहले। चलो चैट में एक बार बता दो भाई कौन सी टीम भूया करने वाली है, तुम एक बार अभी से प्रेडिक्ट करके बताओ, बाद में तुम लोग झूठ बोल देते हो। पहले यस फिर नो, फिर यस फिर नो, अब तुम लोग पहले से बताओ। बताओ सोहेल सॉरी पार्थ भाई बताओ। धोनी भाई तुम आए नहीं आज इनके टीम से, और आज इनकी टीम कितने पॉइंट बताए तुमने? 54। भाटी भाई बोल रहे हैं RC स्पोर्ट टीम H, ओह लिटरली। चलो देखते हैं भाई RC स्पोर्ट टीम H यहाँ पे बुया करने वाली है कि नहीं। भाटी भाई के अकॉर्डिंग RC स्पोर्ट टीम H यहाँ पे बुया करेगी एंड हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, कुछ नहीं बोलेंगे हम सिर्फ यहाँ पे दर्शक देखेंगे। आप लोग बताओ कौन सी टीम भूया करेगी। ओहो कपिल के सामने क्या बंदा, या फिर ईयर के चलो कपिल के दौरान पे एक बंदे को डाउन कर दिया गया, फिनिश आउट भी। BA स्काउट कहीं ना कहीं ब्लाइंड असिस्टेंस से फाइट हो रही है यहाँ पे।
GXI स्पोर्ट्स की, एंड दोनों ही टीम में से जो पहले एलिमिनेट हुआ उनका क्वालिफिकेशन का जो चांस है वो कम हो जाएगा, क्वालिफिकेशन का चांस यहाँ पे कम हो जाएगा अगर कोई भी टीम पहले एलिमिनेट हुई तो, क्योंकि दोनों का गेम प्ले कुछ बराबर ही है, लेकिन जहाँ तक है एडवांटेज एंड पॉइंट्स यहाँ पे GXI के ज़्यादा होंगे। ब्लिंक पाइट क्या बोल रहे हो, ब्लिंक पाइट क्या होता है पार्थ भाई? पार्थ लाइव पे रह के मुंह से मत हगा कर भाई, जब कोई बंदा गेम खेलता है उस समय माइंड में कुछ और होता है, तुम यहाँ होके सबको नूब नाप करते रहोगे। अरे वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो सब होता है भाई, जब खेलते हैं तब पता है हमें भी प्रेशर अलग ही लेवल का होता है, एंड हमारा तो काम है भाई, हमारा तो काम है यहाँ पे बकवास का, वो बकवास नहीं कास्टिंग करना, तो हम तो कुछ भी बोलेंगे। ये पार्थ भाई को समझाओ, सही है सही है, पार्थ भाई को थोड़ा एक आध गाली वाली दो पर्सनल में जाके, जाओ एक हमारे पहाड़ी भाई को देख लो, प्रथम कम से कम हारने के बाद यहाँ लाइव देखने आया पहाड़ी भाई, क्या पहाड़ी भाई यहाँ पे डायरेक्ट हारने के बाद इंस्टा खोलेंगे, किस किस ने स्टोरी लगाई वो देखेंगे, समझ रहे हो कहाँ भाई फोन चार्जिंग पे लगा रहा है। हाँ अभी भाई इंस्टा चला गया है, प्रैक्टिस स्क्रीम्स करवाना चाहता हूँ, बताओ कैसे करूँ। अरे भाटी भाई तुम मुझे DM तो करो, अपन तुम्हें पूरा पूरा वो बताएगा, लेकिन भाई देखो मैं टीम्स ला के दे सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं लाइव वाइव नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद अभी भाई लाइव कम करवा पाता हूँ, बाकी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है, प्रैक्टिस क्रीम सब कुछ बता सकता हूँ, एंड टीम्स भी आ जाएंगी, लेकिन बस आपको करना ये है कि आपको मैं जो बताऊँगा वो कर लेना, क्योंकि टीम्स अपने पास बहुत है। यहाँ पे 28 प्लेयर्स बचे हुए हैं भाई, जल्दी जल्दी फाइट करो यार, कोई भी टीम फाइट नहीं कर रही, फाइट के बिना मज़ा थोड़ी आएगा गेम में। KG स्पोर्ट्स देखो भाई बाहर पहुँचा दिया KG स्पोर्ट्स को, और यहाँ पे रेड बुल वी स्पोर्ट्स देखो पहाड़ी भाई, पहाड़ी भाई ने 0 किल कर ले, कहाँ पर DM करूँ। अरे तुमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया ना भाटी भाई, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया ना, उसमें एक एडमिन होगा तुषार, उसे DM करो, चलो ठीक है भाड़ी भाई, उसमें एक एडमिन होगा तुषार, आपको नंबर सेव नहीं होगा तब भी दिखेगा नाम लिखा हुआ, स्पेशली तुषार, एंड राम जी की फ़ोटो लगा रखी होगी सीता मैया के साथ। अरे भाई बट सुहेल भाई सब गेम में सही खेल रहा था, बट एक गेम में ख़राब किया, बट ये पार्थ कुछ भी बोलेगा अगर ये होगा तो, पता है क्या बोलता, मेरा फ़ोन अटक गया, मेरा नेट चला गया। ओ भाई कोई बात नहीं भाई, काहे गुस्सा हो रहा भाई प्रथम, कोई बात नहीं यार, तू काहे गुस्सा हो रहा भाई, मैंने बेकार खेला वो मैं समझ रहा हूँ, ये बात होता है भाई सबके साथ होता है, लेकिन अब उसने बोल दिया तो यार तब तो उस पर बिल्कुल ही गुस्सा हो रहे हो, छोड़ दो बेचारे को, बच्चा है, माफ़ कर दो भाई माफ़ कर दो। ओके मेरा किस्मत ख़राब साला, मम्मी से बात हुआ साला फ़ोन टूट गया, कोई बात नहीं पेट स्लॉट खेलेंगे पहाड़ी नूबड़े, देख रहे हो हर मैच में 0-0 किल करके आ रहे हैं, पेट स्लॉट दिलाएंगे घंटा दिलाएंगे, 6 मैच पेट स्लॉट के खेल लिए ना, शांत रहो चलो, एक बार तो बोला उसे नूब साला, इतना गुस्सा वही तो मैं बोल रहा भाई गुस्सा, हाँ बच्चा है बट अपने टीममेट के जी मार रहा है, कोई बात नहीं होता है, अरे अपने टीममेट को ही तो बंदा बोलता है यार, किसी और को बंदा कहाँ बोलता है, मैं पहाड़ी को दिन भर नूब बोलता हूँ, बॉट है ना, क्योंकि देखो हर मैच में 0 किल किया ना, इसको गलत ले लिया तुमने, दो किल करे इसकी जगह तुम मेरे को भी लेते तो मैं हर मैच में एक एक किल करवा देता भाई, मेरा गेम प्रॉब्लम हो, या फिर भाई कम से कम इतना ही बता देता कि भाई थोड़ा सा ऐसे करो वैसे करो नूबड़ों की तरह, बट करवा देता, जैसे उस दिन 6 मैच खेले थे ना तुम्हारे साथ, पेट देखा था जलवा है हमारा, कभी कभार
मेरे साथ खेलता जब भी तू भाई खेल लिया ना लाइन में देखा जाके शांति से बैठ चल निकल। यस सिंजो नूबड़े को स्नाइपिंग। अबे ओ भाई ये क्या हो रहा है, वो साले स्ट्रीम स्नाइप कर रहा है मेरी आईडी से। केजी, अच्छा केजी खेल रहा है। आ गया भाई तू स्कूल से, मैं इतनी देर से भाई कंफ्यूज था कि सिंजो तो स्कूल गया था, ये स्कूल में बैठ के खेल रहा है क्या। बच्चा नहीं हूँ प्रथम से बड़ा हूँ कोई बात ना, बट मेरा किलर सबसे बेस्ट है। यस 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 तभी तेरा बड़ा खेल रहा है तू तो बॉट है। चलो सिंजो भाई हमारे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंजो भाई आपकी टीम से आज एक प्लेयर ने भाई मेरे को इतना जहर गेम पे दिखाया ना भाई लिटरली, क्या नाम था उसका, जय सॉरी यश, यश 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 कौन है भाई तेरी टीम में स्ट्रीम स्नाइप। ये बेटे गुड जॉब ब्लाइंड, ब्लाइंड के प्लेयर्स अभी तक मैच के अंदर बने हुए हैं, जीएक्सआई भी अभी तक बनी हुई है। ये दोनों टीम अगर अच्छा खेले तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। अब सरकार स्पोर्ट्स का मैच थोड़ा सा ख़राब जाता हुआ नज़र आ रहा है। दो प्लेयर इनके फिनिश आउट कर दिए गए हैं, फेब रोहित फिनिश आउट, अभी मिश्रा फिनिश आउट। कौन ने यश, यश 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 कौन है यश, किसका क्या किसका सर, फेब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यश की, यश कौन है भाई। ओहो WWE इताची को यहाँ पर डाउन कर दिया, स्वास्तिक को पीछे से भी फायर आ रहा है। एम 2 बी के कंटिन्यूसली शॉट्स लगते हुए स्वास्तिक के ऊपर, यहाँ पे रिवाइव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं हिताची वहाँ पे रिवाइव हो चुका है। कपिल को वहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत होने वाली है GXI स्पोर्ट को। जोन तो पास में है लेकिन कपिल फिनिश आउट हो जाएंगे शायद। यश ड्रैगन का यूज़, हिताची का ड्रैगन का यूज़, स्वास्तिक के द्वारा यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया, फिनिश आउट भी कर दिया शायद से। ओहो केजी स्पोर्ट टीम मैच की बात करते हैं, यहाँ पे जेवन एक्स्ट्रा खेले बचे हुए 51 पॉइंट है, अब तो बस राम जी ही क्वालिफाइड करा सकते हैं। अच्छा 51 पॉइंट है तो लिटरली बताओ ना प्रथम भाई, तो फिर भाई मैं सही बताऊँ तो 99% चांस है कि आप लोग क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि टीम्स का जो गेम प्ले गया है ना भाई, अगर कुछ टीमों का बेकार भी जाता तो भी मैं कहता, लेकिन कम से कम 7-7, 8-8 टीमें हैं जो इतने पॉइंट्स तो इजीली करके गई है, इतना मेरे को पता है। प्रथम कल पेपर है तब भी लाइव पे सपोर्ट कर रहा हूँ, ये बात सही बात है भाई, अपनी टीम को सपोर्ट करने जरूर से आए, ये बात तो है पार्थ भाई, तुमने सपोर्ट किया है पूरे एंड तक अपनी टीम को। हिताची मेरा बंदा है RC स्पोर्ट टीम मैच, वाह 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 वाह, GXI से खिला रहे हो उसको। KG स्पोर्ट्स नेक्स्टर पे यहाँ पे रश होता है शायद से, यहाँ पे लॉन्चर्स अल्टीमेटर्स लॉन्चर्स यहाँ पे लगते हुए KG नेक्स्टर के ऊपर। जय अकेले बचे अपनी टीम से, एंड जय को भी फिनिश आउट कर दिया। हिताची ने यहाँ पर अपनी ही टीम वालों को मार दिया, एंड GXI स्पोर्ट्स ने RC स्पोर्ट टीम मैच बैक टू लॉबी पहुँचा दी। हेलो ब्रो बिग फैन, ओहो बिग फैन 2.0 आ गया, अभी तक इंस्टा चला रहा था। RC स्पोर्ट टीम मैच, वाह बोया बीए बोया, देख रहे हो किलर को एग्जाम देते देते सपोर्ट कर रहा है, मेरा किलर सबसे बेस्ट, ये बात। वाह बेटे वाह, नहीं अब आ जाओ तुम लोग प्रैक्टिस कस्टम खेलने, अब आ जाओ प्रैक्टिस कस्टम खेलने। इतनी देर से मैं शेयर करने के लिए ग्रुप में लिख के आया, कोई मेरे से नहीं बोला कि भाई शेयर कर दूँ, मैं कर दूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस कस्टम के नाम से ससुरे सब लोग आ गए। RC का गेम कैसा गया? अच्छा सिंजो भाई RC का गेम इतना भी बेस्ट नहीं गया, लेकिन ठीक गया है। बाकी आप क्वालिफाई भगवान भरोसे सबका, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। एंड पॉइंट्स टेबल जो है वो रात को ही दूंगा, आज भाई लाइव करी है बड़े दिनों बाद, एंड अभी मेरा दोस्त आए हुए हैं, अपन लोग अब मस्ती करने जाएंगे पहाड़ी और मैं, तो पॉइंट्स टेबल रात को बनेगा। बाकी कोई भी मैसेज करेगा रिप्लाई उसको मिल नहीं पाएगा, फोन वोन सब छोड़ के जाऊंगा फुल मस्ती एंड प्रैक्टिस टूर्नामेंट कर। अबे बॉट चुप रहा है तुषार भाई, बोलो बोलो वाजू भाई क्या हो गया। ओके एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद सबसे बात करेंगे। एंड प्रैक्टिस कस्टम जिसको भी खेलना है वो रुक जाए, ठीक है प्रैक्टिस कस्टम जिसको भी खेलना है रुक जाए, हम लोग करा देंगे क्योंकि मैच खत्म होने वाला है। ब्लाइंड असिस्टेंस आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लाइंड असिस्टेंस भूया ले सकती है। 10 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव इन दिस मैच। GXI स्पोर्ट्स के दो ही प्लेयर बचे हुए, कपिल बैक टू बैक फायर दे रहे, हिताची ने वहाँ पे एक किल ले लिया।
कपिल के सामने यहाँ पे चार्ज बस्टर वाला बंदा नजर आ रहा है, पीछे से आया है स्काउट की तरह, यहाँ पे कपिल को भी डाउन कर दिया गया, स्काउट की तरह कपिल को भी फिनिश आउट कर दिया जाएगा। निताची अकेले बचे हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पे GXI स्पोर्ट्स के हाथ से बुआ छूट चुका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक ही प्लेयर बचा हुआ है हिताची, एंड हिताची पे भी यहाँ पे रश हो रहा है ब्लाइंड के, ब्लाइंड के चारों प्लेयर अभी तक बचे हुए हैं, 8 प्लेयर स्टिल लाइव इन द सेट। जी रेवोल्यूशन टीवी के भी चार प्लेयर्स यहाँ पे भाई हो चुका है घमासान युद्ध दोनों ही टीम का। ब्लाइंड डिसीजन से ब्रैम्बो भाई को यहाँ पे डाउन कर देगा, जोकर भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज, ब्लिजर्ड भाई को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज, जोकर वहाँ भी डाउन पड़े हुए हैं, स्काउट अकेले लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लिजर्ड को भी डाउन कर देगा, स्काउट के द्वारा एक बंदे को डाउन कर देगा, फिनिश आउट कहीं ना कहीं 1v3 अभी भी बचा, 1v3 अभी भी बचा हुआ है, लेकिन साफ जादे के द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है ब्लाइंड असिस्टेंस को भी बैक लॉबी, एंड यहाँ पे ले लिया है बुया जी रेवोल्यूशन टीपी ने। छः चार 10 और 2 12 किल के साथ जी रेवोल्यूशन टीपी ने ले लिया है बुया एंड ब्लाइंड असिस्टेंट 6 किल के साथ सेकंड पोजीशन, GXI स्पोर्ट्स 7 किल के साथ थर्ड पोजीशन, टीम रुथलेस 0 किल के साथ फोर्थ पोजीशन, सरकार स्पोर्ट 4 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन, RC स्पोर्ट टीम H 5-2-7 किल के साथ सिक्स पोजीशन, SM ब्लैक स्क्वाड 10 किल के साथ सेवन पोजीशन, KG स्पोर्ट्स 1 किल के साथ 8 पोजीशन, रेड बुल स्पोर्ट 3 किल के साथ 9 पोजीशन, एंड 4H स्पोर्ट्स 1 किल के साथ 10 पोजीशन। और इसी के साथ गाइस ख़त्म होता है आज का फाइनल्स लॉबी 2 का लास्ट मैच, एंड बढ़ते हैं भाई अब ग्रैंड फाइनल की तरफ, एंड ग्रैंड फाइनल्स बहुत ही जल्द होगा, सभी लोगों को पहले से ही सूचना मिल जाएगी। तो भाई ग्रैंड फाइनल में ना इस बार तगड़ा सपोर्ट आना चाहिए, इस बार ग्रैंड फाइनल के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ना है हम लोगों को, वो रिकॉर्ड जरूर से टूटना चाहिए। सब लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एंड बाकी हर जगह अपना बैनर में हम लोग भेज देंगे, पहले से ही 2 दिन पहले बना के भेज देंगे, बैनर भेजेंगे एंड सब कुछ भेज देंगे। आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर वेयर करके सब पब्लिकों को बुला देना। ओए बॉट क्या करा रहा है, दम है तेरे से, 1v4 करा बॉट, वाह। अरे कवाड़ी भाई, नाम भी कवाड़ी रखा है तुमने तो यार, कौन हो कवाड़ी भाई आप, ऐसे इन गेम नेम बताओ जरा ब्रो। फन कस्टम होगा क्या? अरे कवाड़ी भाई फन कस्टम तो तब होगा जब प्लेयर्स आएंगे, जल्दी से स्ट्रीम शेयर करने वाले को मैं बुलाता हूँ, उसके बाद फन कस्टम की बात करते हैं। जब तक सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो, 30 लाइक हो गए, 40 कस्टम पे अपन फन कस्टम बना देंगे, जिसको भी खेलना है आ जाओ। फन कस्टम होगा गाइस, मैं स्ट्रीम शेयर कर रहा हूँ इसीलिए 2 मिनट के लिए चैट नहीं पढ़ पाऊँगा। हेलो वॉलर्ड भाई, क्या हाल चाल? तो फिर बढ़िया होगा क्या भाई, बढ़िया क्या होगा,
लाइक करो गाइस, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, 40 लाइक पे, सॉरी 40 लाइक पे हो जाएगा, फन कस्टम हो जाएगा। सरकार एम्पायर टीसी क्या हो गया भाई? सरकार भाई क्या हुआ? आई एम कमिंग। ओहो सरकार भाई इज कमिंग। ओके ओके कमिंग। जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस, सरकार भाई भी आ रहे हैं, 6 की वॉचिंग चली गई है। जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो एंड अपना अपना हैशटैग टीम नेम लगा दो, फिर हम 4v4 एक कस्टम बना देंगे। टीम नेम लगाओ भाई जाके, पहले सोलो भी नहीं, सोलो के लिए भी टीम नेम लगाओ, आके किक कर देंगे बनना डायरेक्ट हैशटैग इससे लगा दे। एक काम करो सरकार भाई, 4v4 करोगे, 4v4 ही करा दे रहे डायरेक्ट। आप अपनी टीम के चारों प्लेयर को एक बार स्ट्रीम पे बुला दो और अपना टीम नेम लगा दो, और मेरी टीम के ये कुछ नूबड़े हैं इन लोगों को भी टीम कोड दे दो। टीम कोड ग्रुप में आओगे भाई, मेरी ये नूबड़ी आईडी में क्या करोगे ग्रुप में आके? लो टीम कोड 6029001। सरकार भैया लो टीम कोड ले लो, मैं कह रहा कि आप अपने टीम को बुलाओ और ये मेरे चार, ये चार तो नहीं है तीन है, ये चार तीन लोग भी खेल लेंगे, अपना अपना टीम नेम लगा देंगे लाइव पर आकर। तो बताओ फिर अगर 4v4 इन लोगों से ही करोगे तो। हेलो गाइस कैसे हो आप? हाँ भेजी थी। ठीक है ठीक है, 4v4 करोगे तो टीम वालों को एक बार लाइव पर बुला दो प्लीज़, और अपना टीम नेम लगवा दो भाई। किक करके बहुत गंदा करा भाई मैंने। क्या हुआ? किक नहीं करना चाहिए था भाई। किसने किक कर दिया? ओहो सरकार भैया आपकी आईडी ये क्या? अरे भाई बड़े अमीर हो तुम तो यार, बड़े अमीर हो भैया, बड़े अमीर हो। हैशटैग असॉल्ट ब्रेकर्स, ये वाइट और बुला, अपने दोनों बॉटों को भी बुला, वरना तुम्हें भाई खिलाएंगे नहीं, किसी और को खिला देंगे। जल्दी जल्दी बुलाओ, एक कस्टम बनाएंगे उसके बाद अपन चले जाएंगे। तो जल्दी जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी लगाओ अपने अपने हैशटैग टीम नेम, फिर ही भाई कराऊंगा वरना नहीं कराऊंगा। क्योंकि फन कस्टम के लिए तो अपन भाई अनलिमिटेड बनाना। ओके 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 सरकार भाई, वहाँ पे अगर लाइव देख रहे तो मैं यहाँ पे ओके लिख देता हूँ, अनलिमिटेड बना देंगे। पहले टीम को तो बुलाओ, भाई लाइव पर आके टीम नेम लगाओ तभी कराऊंगा मैं जल्दी। पहाड़ी भाई एक बार नहीं, ऐसा टीम नेम जब तक बनेगा नहीं। वाइट भाई कहाँ है तुम्हारे प्लेयर्स? हैशटैग लगाना ना। चलो चप्पड़गंजू 2.0 सिर्फ ब्लैंक स्क्वाड से खेलेगा तो उसको नहीं खिलाएंगे। क्या चाय पी रहे हो संजू? हमें भी पिलाओ कभी चाय भाई। भाई आओ पिलाते हैं, कहाँ आना है बताओ संजू? ऐसे मत पिला भाई, ऐसे होस्टिंग पर ले लो साथ में, हम भी मदद बनाओ। क्या बनाओ या टीम नेम लगाओ? बड़े आए बनाओ जबलपुर, वाह वाह वाह, जबलपुर आना पड़ेगा। ठीक है चलो, अगली बार मेरा फ्रेंड भाई एमपी जाएगा तब मैं तुम्हारे पास जबलपुर आता हूँ। भाई क्या भाई क्या भाई, कस्टम बनाने के लिए कस्टम बनाओ, अच्छा कस्टम बनाओ या टीम नेम लगाओ? टीम नेम लगाओ फास्ट, असॉल्ट ब्रेकर लगा दे। कस्टम बनाओ नहीं लगाना, टीम नेम लगाना है। मैं लगा दिया, मुझे देर बाद लगाना था।
बॉलर भाई कस्टम बनाओ नहीं, टीम नेम लगाओ हैशटैग टीम नेम। ये बात संजू हैशटैग असॉल्ट मेकर्स लगा दे ये लोग। वाह हिंद जादे, नहीं 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 हिंद जादे बुला के ला पहले तो हिंद जादे के प्लेयर को। अब तक को हम अपने स्क्वाड में खिलाएंगे ऐसा लगाना। हाँ ऐसे लगाना भाई, चार प्लेयर हो गए। कहाँ है चौथा प्लेयर? संजू है। संजू खेलेगा ही नहीं। वाह 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 कितना हरामी है, जैसी मैंने बोला वैसी हैशटैग असॉल्ट मेकर लगाने लगा। चलो संजू नहीं खेलेगा भाई, स्पेलिंग गलत लिखी है, संजू को नहीं खिलाएंगे अब। संजू ने स्पेलिंग गलत कैसे लिखी? ओहो पॉपकॉर्न भाई, प्रवीण भाई पॉपकॉर्न बना ले। चलो भाई ऑनलाइन आओ, सरकार भाई से मैं बोल रहा भाई टीम बोला ऑनलाइन। आ जाओ आ जाओ हिंद ज़्यादे, मैं रैंडम आईडीपी दे रहा भाई लाइव पर, तुम लोग उसी से खेलो। तुम साले इतने बंदे हो, प्रैक्टिस बन रहा है भाई, ऐसी 4v4 कस्टम बना रहे हैं या 6v6 बना रहे हैं। हेलो हेलो बोल रहा हूँ सनज भाई, बेइज्जती मार रहा। मैं बेइज्जती नहीं मार रहा भाई, मेरे फोन से अगर मैं माइक ऑन करूंगा तो नहीं पता फिर आवाज में भाई क्या बोलते हैं। सपोर्ट कर दो भाई कि लाइव पे भी 4v4 करना है। ओके बस 6v6 नहीं भाई 4v4 समझा कर भाई। तुम मैं जयवीर भाई कौन कौन आएगा? अरे यार कोई नहीं, वो बना ही रहे कस्टम घुस जाएंगे। प्रैक्टिस बना रहे हैं? नहीं भाई प्रैक्टिस तो नहीं है वैसे, बाकी आपको एंट्री लेनी है तो आप एंट्री ले लो, मैं लाइव पर आईडीपी दे दूंगा क्योंकि नुबड़ों के पास चार बंदे नहीं है। मैं आईडीपी से नहीं आ पाऊंगा, बुलाओगे तो बताओ ऑन आऊं वरना खेल लो आप भाई। ये पहाड़ी को बोलो ये बुलाएगा तो। कौन है? मैं क्योंकि खेल नहीं रहा हूँ, मैं तो भाई सिर्फ बैठा हूँ इधर। कौन है भाई? संजू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बॉय जैक कैसे खेल रहा भाई आज? पहाड़ी बताओ। हाँ पहाड़ी तो बोल रहा है आ जाओ। मैं तो कह रहा पड़ोसी को भी लेके आ जाओ। मैं वाइट तू ऑनलाइन आना आज बता रहा टीम में ग्रुप में है। वन वी टू खेलूंगा क्या? ये क्या भाई क्या सीन है किसको? वो मैंने गलती से संजू मैं भाई फिर से टाइम आउट दे दिया इसने, लिटरली मैं बोल रहा हूँ टाइम आउट मत दिया करो। बहुत टाइम आउट दे देते हैं ये। टाइम आउट क्यों दिया वैसे आप जरा बताएंगे वाइट भैया? स्टार्ट करो स्टार्ट करो, क्या बात है। रूल्स बताओ। वाइट को नहीं खेलना लगता। थैंक यू वाइट हमारी तरफ से लगाने के लिए हैशटैग। वाइट को खेलना नहीं था क्या? ग्रुप में कड़ा है इतनी देर से, सिंजो को किसने बुला लिया? कहाँ गया अब? बाहर गया क्या? मेरे को लगा तुझे किक कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात करी आपने। अब ठीक है उनके पास बंदा नहीं था भाई, दो प्लेयर आ रहे हैं उनके। मेरे दो प्लेयर आ रहे हैं।
अगर एक्सपेक्ट करिए जा वो अभी उनके बीच में बातचीत चल रही है किसको हटाऊं किसको नहीं हटाऊं। मनी है इसको जाने मनी को जाने बोल। मनी भाई हेलो जाओ भाई। रैन रैन है तू वाओ जा भाई कोई सुना मैंने वाओ नहीं सुना वाओ तो यहाँ सभी बोला कौन से 5v5। अरे भाई अब 5v5 होगा नहीं ना वरना तो करने के लिए मैं 6v6 कर देता। ये अब कस्टम चेंज नहीं होगा सरकार भाई तो भी मैं कर दूँ क्या मेरे को भी कर दूँ मैं वो भी रहेगा इसे कहते हैं टीम लीडर बलिदान दे रहा था स्टार्ट कर भाई बुलाते ना जब खेलना था भाई मेरी गलती थी वॉलर भाई तुमको हिंद ज्यादा नहीं लगाना था तुमको एसॉल्ट ब्रेकर लगाना था ये नूबड़ों के साथ खेलने के लिए भाई इन लोगों ने जो बोला वो हो गया। स्टार्ट कर दो हिंद ज्यादा जिंदा मार हिंद ज्यादा जिंदा मार अब तुम्हारे हिसाब है कहा से ऐसा हो सकता है ओवी में जो बैठा है उससे मैं बात कर सकता क्या मैं वो तो डिस्कॉर्ड से हो जाता है यहाँ की बात कर रहा हूँ जो आवाज़ें आ रही है फालतू की। हाँ बोलो भाई देखियो प्रवीण ऐसे प्लेयर को तुम लोग क्यों खिलाते हो क्या हुआ वाइट को देखो कहाँ बैठा हुआ है क्या इससे अच्छा वॉलर खेलता पिटोगे भाई कुत्ते की तरह पिटोगे 7-0 होगा लिख के दे दूँ। और भाई इसमें कोई कमेंट्री नहीं होगी ठीक है पहले बता दे रहा कमेंट्री नहीं होगी क्योंकि फन कस्टम है। सही बात है पहाड़ी को कमेंट्री आती है वैसे भी 1 तारीख से करने वाला है तुम 07 से हारोगे लिख के दे रहा मैं तुम्हारा प्रो रशर ऑफलाइन 07 से हां 07 से जीत गया तो आज की यूनिवर्सिटी पार्टी तय कर दूंगा घंटा तेरी तरफ से सरकार स्पोर्ट जीतेगा। हां बिल्कुल वॉलर्ड भाई मैं तुम्हारे साथ हूं बिल्कुल वही जीतेगा। इनकी पिटाई देखते रहो तुम अभी इनकी पिटाई देखते रहो इनकी पिटाई दिखाता मैं देखो यहाँ से देखो दूसरे एंगल से अरे इंटरनेशनल स्क्रीम्स क्या बात है ट्रैजिक एशिया बंदे पता क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं भाई स्लॉट दे दो चपड़गंजू में लिटरली भाई तो एक साथ होगा क्या चल कोई नहीं एक साथ से पिटोगे भाई क्या प्रवीण तुम लोग की टीम क्या ही हरकतें कर रही है तो वहां कर दिया ना, अगर फेंक दिया तो
तू लेके आया बेटा, तो अभी रुका, अगली बार से तुझे किक कर, तुझे हमेशा की तरह किक करूंगा। ब्लैक के बस की बात नहीं, दिखाता हूँ देखो, टट्टी स्नाइपिंग अभी देखना ठीक है। अब पहली बता दे रहा, फन कस्टम में कोई कास्टिंग नहीं होगी। देखो पहली पिटाई, पहली पिटाई, और ये दूसरी बड़ी नहीं क्या, अभी रह गया। वाइट ने वहाँ पे रश किया और वो भी पहाड़ी को डाउन हो गया वहाँ पे। ओहो ओहो पहाड़ी भैया, ओहो पिटाई हो गई। ब्लैक के बस की बात नहीं, ऐसा बॉल लॉर्ड भाई कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही जीतोगे तुम लोग। वो एक राउंड गलती से जीत के आ गए, संजू के दम पे दो किल किया उसने, तभी जीत गए तुम। ओहो ओहो इस बार तो जीत रहे हैं लांडे, बराबरी की टक्कर दे रहे हैं बॉट। क्या हाल चपड़ ब्रो, बढ़िया जोकर भाई आप बताओ, बढ़िया बढ़िया जोकर भाई आप बताओ, कितने पॉइंट्स किया आप लोगों की टीम ने? क्या लगता है क्वालिफाई होगा? अरे वही तो मैं पूछ रहा, आप ये तो बताओ पॉइंट्स कितने हुए होंगे आपके? 70 हैं शायद, 70 हैं। हाँ तो भाई हो जाओगे जोकर भाई, हो जाओगे यार, टेंशन ना लो। आप ग्रैंड फाइनल खेलोगे और ग्रैंड फाइनल में फिर से मचाओगे, क्योंकि 70 पॉइंट्स से तो हो जाओगे। असॉल्ट ब्रेकर्स 2v3 हार गई। अरे बॉट नूबड़ी, देखो संजू भाई हमारे खेल रहे हैं अकेले ही। देखो सबसे बड़ा नूबड़ा कहाँ गया, ये रहा, ये देखो सबसे बड़ा नूबड़ा, ये प्रो 4 किल कर लिए बेचारे ने। और ये देखो दूसरा रशर, बॉट रशर, और ये सबसे बड़ा पहाड़ी जोकर। देखो जोकर ग्रैंड फाइनल में स्नाइपर लेके आऊंगा। अच्छा आप स्नाइपिंग करोगे? कैप्टन भाई वहाँ गए हैं कहीं, मतलब उनकी फैमिली में कुछ प्रोग्राम वोग्राम चल रहे हैं तो वो बिजी हैं, इसीलिए आजकल कैप्टन भाई की स्नाइपिंग देखने को नहीं मिलती है। बट बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, मैंने बात किया उनसे। अभी भाई साहब लिटरली भाई बंदे इतने हरामी हो गए ना, सही में बता रहा, बंदे इतने हरामी हो गए। मैच ख़त्म हुआ है अभी, पॉइंट टेबल बना नहीं है, और बोल रहे हैं भाई ग्रैंड फाइनल का ग्रुप दे दो यार। सेकंड बरमूडा में बोया मिस हुआ है। हाँ 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 जोकर भाई, उस वाले में भाई हो गया, सीन हो गया था, मैं ऊपर ही नहीं आ पाया। 1v2 निकल जाता है इजीली, वो दिक्कत हो गई। आप बाद में आए और उसने साले ने पीछे से क्या ही घूम के मारा। तो
उसने हाइट का एडवांटेज ले लिया। हाँ अच्छा मारा उसने। हाँ वही तो भाई, लेकिन सही बता रहा जोकर भाई, उसने उससे पहले भी भाई कुछ खेल लिए थे, अच्छा खेल रहा था वो, बहुत अच्छा खेल रहा था लौंडा। देखना देखना भाई, तीनों लुबड़े कहेंगे थोड़ा मेरा गलती था और बॉल भी नहीं था मेरे पे। हाँ पहले आपकी बॉल इतनी वेस्ट हो गई थी ऊपर चढ़ने में, कोई ना, होता है होता है होता है। आप अभी ग्रैंड फाइनल में तो मेरे को लग रहा है पहुंच जाओगे, तो फिर उसमें फिर से मचाना। क्या बात है सनस का भाई, क्या ये हेड शॉट देता है लौंडा, बिल्कुल छूते ही हेड शॉट। और लास्ट वाला बुया भी मिस हो गया ओवर रश के वजह से, रैमो भाई घुसे और नॉक। हाँ वही तो मैंने बोला, थोड़ा रुक के मारते, तुम्हारा भाई बुया था और तुम लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ निकाल दिया था भाई मैच। तो लास्ट में मुझे और बाकी भाई बंदे भी बोल रहे कि बीए का बुया होगा, बीए का बुया होगा, और भाई एंड में आके मैंने देखा अचानक से बीए के प्लेयर एक एक करके सारे ख़त्म हो गए। लास्ट में स्काउट बचा, स्काउट ने भी एक बंदा मारा, उसके बाद वो भी मर गया, क्या करेगा बेचारा, तीन बंदे का रश हुआ था। ग्रैंड फाइनल में एक स्नाइपर रहेगा तो सही रहेगा। हाँ देखते हैं, वैसे ग्रैंड फाइनल में मज़ा बहुत आएगा क्योंकि ग्रैंड फाइनल में सभी भाई बढ़िया बढ़िया टीमें आएंगी, नेक्स्ट लेवल टीम सारी। सबसे मस्त मज़ा तो भाई सिर्फ ग्रैंड फाइनल में आता है क्योंकि क्वालिफायर से इतनी टीम्स पीछे छोड़ के सिर्फ 12 टीमें आती हैं भाई ग्रैंड फाइनल तक, बहुत मज़ा आता है। माधव भाई को मैंने बोला कि लाइव पर आ जाओ जब तक अपन बात करेंगे, लेकिन कहाँ चलेगा ये नहीं पता। मैं नुबड़े एक शॉट और मार देता, बट उससे पहले तो रिजल्ट आए तो पता चले उम्मीद ही लगा रहे हैं और टेबल में कुछ और ही हो। अरे नहीं नहीं उम्मीद लगा के रखो, टेबल तो रात को दूंगा क्योंकि अभी हम लोग लाइव एंड करेंगे एक मैच, शायद इसके बाद और बनाएंगे। मेरी दूसरी वाली टीम कह रही है कि हम लोग भी 4v4 खेलेंगे, तो उनका एक 4v4 और कराएंगे हम लोग, उसके बाद लाइव एंड करके फिर तो थोड़ी देर मस्ती करेंगे। और आज तो ब्लाइंड की लाइव भी नहीं होने वाली, वरना लाइव पर मैं रिज़ल्ट बता देता। कोई ना, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा रिज़ल्ट, या तो स्काउट बता ही देगा भाई अपना। जहाँ तक है 70 पॉइंट में आप लोग हो जाओगे क्योंकि टीम्स ने खेला तो अच्छा है, लेकिन भाई कुछ पता नहीं है
लगभग भाई 7-8 टीमें हैं जिन्होंने इतने पॉइंट किए होंगे आराम से, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप लोगों ने तो भाई अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत की थी। ये देखो ससुरे को भाई, आज स्नाइपिंग कहाँ चली गई? मनी हाइस्ट को मार दिया, वाह। लो भाई ओम पो, मैं तो सोचा 7-0 होगा, 7-0 नहीं किया। माधव भाई रेडी हो क्या? कौन सी टीम से करोगे माधव भाई, जल्दी बताओ, ये जो जीत रही है या जो पिट रही है? नहीं, पिटने वाली से मत करना बॉट। क्या बात है, देख भाई मनी हाइस्ट अकेले 10 किल, 12 किल तुम्हारी टोटल है, मनी हाइस्ट के अकेले 10 किल है। अच्छा भी नींद आ रही है पार्टी भाई, एक और कस्टम कराना जरूरी है। वो छोड़, उनको खेलना है भाई। संजू अकेला 1v5 मारेगा ना? संजू भाई अकेले खेलते हुए 1v4 की सिचुएशन पूरे मैच में। बड़ा गंदा खेला मैंने यार, अपने गले यार को यार, सस्ते आ गए ये यार। सरकारी स्पोर्ट चली क्यों गई? हम खेल लेंगे, मैं इनके साथ एक और कराता। तू भी खेल लिया ना? मैं बनाता, सरकार भाई से बात करके आया, मैं बनाता हूँ कस्टम, मत बनना। हमने खेला, बंद कर दो, रुक जा। कौन चाल लगा लो जी भाई, सिस्टम बना दियो जरा एक। कोई नया टूर्नामेंट आ रहा है क्या? आई वांट टू प्ले शिवा राजा ऑफिशियल ब्रो, मैंने देखो लिंक पिन कर रखा है, देखो रुक अभी मत बना।
अरे सरकार भाई को बोलने तो दे खेलेगा कि नहीं। मैं तो खेलूंगा दूसरी टीम से, तो दूसरी आईडी से बनाना तो उससे क्यों बना रहा है।
माइक ऑन नहीं करोगे क्या? माइक ऑन कर लिए भाई। ये भाई ऊपर से मैसेज देखो तो कम से कम एक ग्रुप के 400 मैसेज थे वो गायब हो गए। कुछ नहीं भाई, मर गया मैं। सरकार भाई कहाँ चले गए? ये कौन सी टीम है भाई? यही तो है नई टीम अपनी। इसमें हम लोग अरे ब्रो किंग भाई सॉरी कोहली भाई, इस वाले मैच में रिजल्ट 4v4 हो रहा था मेरी टीम का और सरकारी स्पोर्ट्स का। मेरा काम ख़त्म। ओके कॉल पे आई। अबे भाई रुक जाओ भाई, अभी लाइव के बीच में नो इंटरफियर। समझे कि नहीं समझे? सरकार अच्छी टीम है। हाँ वही तो माधव भाई। अनलिमिटेड क्या? लिमिटेड नहीं खेला जाता लिमिटेड। अरे लिमिटेड खेलो ना सरकार स्पोर्ट्स, क्या हो गया? मैं ओनली फिस्ट वाइड करोगे? बट होमवर्क कर रहा हूँ तो चैट नहीं आएगी। ओके कोई नहीं कोई नहीं। आइकॉनिक भाई लास्ट कस्टम है, इसके बाद अपन भी हम चले जाएंगे। अरे माधव भाई तुम कौन सी आईडी से खेल रहे हो या खेल ही नहीं रहे हो? हाँ माधव भाई खेल रहे हो या फिर नहीं खेल रहे ये बताओ पहले। देखो देखो सस्ते नशे। सरकार स्पोर्ट्स की स्ट्रेटजी दिखाओ। अच्छा स्ट्रेटजी देखती है। ये भाई सरकार स्पोर्ट्स क्या मांग रहा है? क्या चाहिए भाई? ये निबंध तेरे लिखा जल्दी दो। आईडीपी मांग रहा था वो। अच्छा अरे 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 ऋषि अकेला दो बंदे ले गया भाई जल्दी। भाई पहाड़ी 6 PM। ओहो क्या ही हेडशॉट लगा दिया भाई। नहीं भाई 6 PM निकल सकता। रिजल्ट कब तक आएगा भाई? रिजल्ट क्या बताऊँ मैं भाई। रिजल्ट रात को आएगा 9-10 बजे तक। अगर किसी को पहले बनाना है तो मैं एंड एसएस भेज देता ग्रुप में, बना लो। या क्या बनाओगे? अब तो सारा दर्राते काटने जा रहा। हाँ अब मैं मोमोज खाने जा रहा हूँ। मोमोज दर्राते काट दे। 6 PM पेड। कौन हो तुम? मेरे को भी कह रहा है पेड। रात को खेल गए चलो गए दे रहे या नहीं तो सार भी खेल लेगा। अरे भाई 6 PM किसके साथ खेलोगे तुम ये बताओ पहले। चलो हाँ मैं खेलूंगा नहीं, पहाड़ी खेलेगा नहीं, फिर बोलना ठीक है। टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, सॉरी पैसा वेस्ट होगा। 9 PM को ले लो। मैं खेलूंगा नहीं, पहाड़ी खेलेगा नहीं, फिर बताओ जल्दी किसको लेके खेलोगे। मैं बताता हूँ ना, वाइट वॉलोड। अबे ले गया भाई असॉल्ट ब्रेकर्स, देख लेके जा रही है सरकार स्पोर्ट्स को। असॉल्ट ब्रेकर जीतेगी। माधव भाई आप क्यों नहीं खेल रहे सर? माधव की आईडी का नाम क्या?
ए बी एफ वन फ्लेम पता नहीं कुछ है यार, ये ए बी अच्छा नहीं लग रहा पता है, सही बताऊंगा तो उससे बढ़िया तुम्हारा एस डब्ल्यू के सही था भाई, सही बताऊंगा। अरे उसमें गैप दे के रखा था इन लोगों ने, डॉट डाल के गलती कर दी भाई आदब भाई तुमने यार। गन स्किन ऑन क्यों, अरे गन स्किन ऑन रखना था, भूल गया क्या मैं लग रहा है भाई, गलती से हो गया होगा, सॉरी भाई माफ़ कर दो रे। सरकार वालों जीत जाओ, एक बंदा रैंडम है, एक बंदा रैंडम है, कौन रैंडम है, अच्छा कातिल, कातिल जानता भाई मैं कातिल को जान कोई एक घंटे में आ रहा था पर इसका एक घंटा दिया होगा, चार पांच घंटे हो गए बे पर इसका एक घंटा नहीं आ रहा। अनंत बॉस बदमोस, ये सेकंड लाइनअप वालों को बुला दो। अरे सेकंड लाइनअप वाले नहीं खेलते भाई 6 बजे, उनको 9 PM भी खेलना है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे वो। 9 PM खेलेगा तो बताओ, 9 PM वो लोग भी खेलेंगे, 2 स्लॉट ले लूँगा मैं, खेलोगे तो बोलो, वरना 6 PM के लिए टीम नहीं है, 6 PM के लिए टीम हो तुम पे तो मैं दिला दूंगा वो भी। कैसा वो, लेकिन उसके अंदर अगर तुम लोग भाई 7 से नीचे गए तो कभी नहीं दिला, तो फिर जिंदगी में कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। मैं आज तक नहीं गया 7 से नीचे, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर 6 PM लिया किसी और के साथ खेला, अगर 7 से नीचे गए तो उड़ा दूंगा तुम लोग। सरकार स्पोर्ट्स अभी तो पूरी टीम भी नहीं आई है, आई होती तो क्या होता तुम्हारा वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, फुल फुल। बदमोश कौन है, बदमोश बदमोश हमारी टीम का प्लेयर है, ये यारो कौन कनिक, क्या लिखा है कनिकी, किरण तो जानता हूँ। हाँ ये 3 प्लेयर हैं और एक कातिल जो है ये कोई और, इसका नाम क्या माधव को, इसी का तो बता रहा मैं, फ्लेम या कुछ रखा नहीं था पहले, क्या था पहले, माधव ही था, फ्लेम मत रखो भाई। मैंने तो सोचा था सरकार जीत जाएगी, पूरी टीम नहीं आई है हमारी इसलिए। अरे तुम 1v4 खेल लोगे भाई, वही तो मैं भी कह रहा भाई, अभी 2-1 हुआ लेकिन अभी भी वापसी हो सकती है भाई सरकार। चले के जाड़ पे जाड़ आ रहा है, ओहो भाई क्या यार शॉट दे रहा भी बंदा, फुल लाल फुल रेड नंबर भाई सरकार स्पोर्ट्स को तो, वाला बंदा टी शर्ट देगा उसको आज ले जाएंगे लग रहा है। अरे यार टी शर्ट भी शायद, अरे लेकिन गन स्किन इन लोगों ने लगा कहाँ रखी है बे, वो बोल रहे हैं गन स्किन ऑन लेकिन गन स्किन लगा कहाँ रखी है भाई, बॉट हो गया काला क्या, उसमें डाल के बोल रहा है 6 प्लेयर एंड 2 प्लेयर रोल रेसर एंड असॉल्टिंग बैकवर्ड सीजन डीएमए फर्स्ट, मत दिला भाई, मैं बोल रहा भाई नहीं दिला रहे भाई, जाओ जो करना कर लो, मैंने इससे पहले भी बोला था कि गन प्रॉपर्टी भाई, लेकिन सरकारी स्पोर्ट्स मतलब सरकार भाई गन प्रॉपर्टी ऑन तो है, लेकिन वो मैंने देखा था व्हाट्सएप पे, बट इन लोगों ने गन स्किन लगा कहाँ रखी है भाई, मेरे को एक भी गन स्किन दिख नहीं रही है, क्योंकि स्लॉट दे प्लेयर बुला लूँगा मैं, स्लॉट नहीं मिलेगा अब, एंस रिजल्ट मैं बना दे रहा, मेरे को दे SS जल्दी, वाह 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 वाह, रिजल्ट बना दोगे क्या, तो फिर रुको मैं SS भिजवाता अभी, मतलब लाइव एंड करके SS भिजवा दूँगा, एंड डिज़ाइन जैसा पिछली बार मैंने सेमीफाइनल की लॉबी वन का डाला था वैसे ही करना है, एंड अरे सरकार भाई देखो यार 4v4 मैच चल रहा है, एंड रिबोट जो है वो मैच का एक पार्ट है, तो भाई गाली तो मत दो प्लीज, रिक्वेस्ट है लाइव पर गाली ना दो, अगर कुछ गलती हो गई है कस्टम में बेशक, अगर आप बोल रहे हो गन स्किन ऑन है वो कभी और नेक्स्ट खेल लेना यार विदाउट गन स्किन भी, अभी हो गया हो तो वो अलग बात है, बट गाली ना दो यार आप भी भाई हो और ये भी हमारे सारे भाई है,
माधव गाली ना दो रे, उनको हम समझा रहे, तुम उनको चूतिया बोल रहे हो। भाई कितना खराब है, देख रहे हो भाई, लगे आते ये भी बोल रहा। लगे आते क्या बोल रहे हैं, मैं उसको समझा रहा भाई गाली मत दो, ये भाई ऊपर से गाली दे रहे हैं, मत दो भाई क्या बोल रहे। भाई चूतिया क्यों बोल रहे, सरकारी बोल रहे भाई। नहीं ओए, किसी को गाली नहीं देने का ना चूतिया बोलने का, सब गेम गेम का पार्ट है भाई, गेम में करो जो करना है, क्योंकि ऐसे सही नहीं है। प्यार से भी बोला जाता चूतिया, तेरे को पता रहा। ये लोग इमोट दिखाए, ये मेरे को दिखा नहीं, सही बताऊं तो। तो भाई लोकल फोटो वाले को थोड़े दिखता, डाउट भी होना चाहिए। और ना मेरे को इनकी गन स्किन दिख रही है, लेकिन बोल रहे हैं तो भाई लिटरली हुआ तो है। और इमोट मुझे पता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने उस पर लगा रखी है स्मूथ पे। बेटा अभी तो पूरी टीम भी नहीं आई है, एक स्नाइपर प्लेयर है और एक रैंडम है। कोई ना कोई ना, चलो तुम लोगों का प्रोफेशनल 4v4 कराते हैं पेड, ठीक है, आज नहीं कल रात को। सरकार भाई की टीम होगी, एक तुम्हारी टीम होगी, रात को 4v4 होगा। सरकार भाई रेडी होंगे तो। क्या ही हेडशॉट दिया ना इसने वैसे गैप में से। उनको भी दिखा दे भाई, उन्होंने जुल्म करा। अरे मैंने तो एक पे कैमरा रख रखा था, मेरी गलती है ना, इंसाफी है गाइस। देख रहे जस्टिस, जस्टिस फॉर सरकारी। वाह वाह, भड़का ले भड़का ले। देख रहे भाई सरकार भाई, तुम्हारी सरकार होते हुए देखो क्या कर रहा है। अरे यार क्या सरकार वरकार होते हुए, वो अपने भाई है। अरे कर्मा स्पोर्ट्स नेपाल की टीम आएगी अब, बॉट टीम। इंडोनेशिया को बुलाऊं, इंडोनेशिया को बुलाऊं, चाल देते अपनी। आ देगी अब, अबे टीडी में भाग रहा मेरे का कह रहा है। अरे जा आईने में, आईने में। आज लाइव बंद नहीं हुई एक बार भी, पूरी 3 घंटे की लाइव बिना रुके चल रही। आज थोड़ा सा सस्ते, आज मौसम थोड़ा सही है, चेक करो। मेरा तो फोन टट्टी है भाई, पीसी खरीद रहा चुपचाप, बता दे मेरे को पता है बेटे। क्या पता तुम्हें, उबे 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 उबे, क्या ही हेडशॉट दे दिया रे कातिल में, तो कातिल में हेडशॉट दे दिया, कातिल गया। डीएन का है कौन, डीएन कौन, डीएन कातिल को मार दिया, डीएन का है अब गया, चाहिए होगा डीएन। बदमाश जा तो रहा है, बदमाश छोरा, बदमाश छोरा, पर गया तेरी चट्टी में रख के पूरी दोस्त छोरा, सिलेंडर पे रख के पूरी। उरे बोल तो रहा हूँ भाई, सनस भाई, सनस गुस्सा आ गया, सनस को सनक गई, सनस की सनक गई। क्या हेडशॉट दे रहा लोटा उड़ते हुए, जो मोटे मोटी खेल लो अभी, मोटी मोटी खेलेंगे। वैसे ऐसे इमोट दिखा देना चाहिए, सामने वाली टीम को गुस्सा है और दोनों टीम अग्रेसिव खेले तो मजा आता है ना देखने में। जैसे अभी हेडशॉट देखने को मिले थे, बढ़िया बढ़िया। ओ भाई 3 घंटे लाइव हो गई, नींद आ रही है, बोर हो गया। अब ये मैच के बाद बंद कर देंगे ना, काही टेंशन ले रहे हो बे, या एक और बना दें बोलो। बंदे नहीं है भाई, नहीं मत बनाओ, इन्हीं दोनों का फिर से करा दूंगा तो। नहीं भाई बदमाश छोरा, बदमाश छोरा, क्या है देखन पूरी दोस्त छोरा, स्प्लेंडर पर रख काटे पूरी मौत छोरा। गाइस तो सारे ब्लॉग चैनल बना रहा है, याद आ रही है तो सारी जिंदगी क्यों तेज बोल ले, और बोल ले नहीं सुना दे उनको। आइकॉन सर्च भी मार लगा रहा हूँ, वो होगा लाइव पे तो है, लाइव पर है, होमवर्क कर रहा है इसीलिए वो आवाज़ मतलब चैट नहीं कर रहा, लेकिन लाइव पर है। गुड बॉय बेटा, गेम यूट्यूब छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो।
अरे बताए क्या हुआ मुझे पता बताया कर मैं उसे ले दिया सरा जो मैं डायलॉग मार रहा था सरा और क्यों हंस रहा है पता पीछे बंदा भाई ये बॉय ओरे 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 भाई मैं एम टेन अलाउड नहीं है भाई ए भाई ओ भाई खत्म है भाई अब तो मौका ही नहीं दे रहे भाई जल्दी जल्दी भाई सनस भाई गुस्सा आ गया नींद आ रही है तो उनको दो मैच जीतना तो मैं पूरे सनस भाई को गुस्सा आ गया लिटरली मैं खेल कातिल ही रहा हूँ सही बताऊँ तो कातिल तेरी मेरी दर्द जो इनका नाम सावर टूट था पहले एसडब्ल्यू की क्यों रखा भाई तेरे पास में हाँ वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर बंद कर ले बेसुरे बंद रहे सुहाना पल नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलने के लिए तेरी तो मनमानी बस तुम तक बातें वो बचकानी बस तुम तक चल अपने जेब में रख ले तेरी कसर दीवानी बस तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक सोने यारी हर होशियारी बस तुम तक तेरी हर दुश्वारी देख रहा 558 मैसेज तो ऐसे ही पड़े रहते हैं उसको ऑन कर सिर्फ 558 उस एक एक मैसेज अंदर कर ऑन कर 500 ऐसे 31 चैट है हाँ बस बस होती है हाँ अभी मेरे पे भी दे 30-31 चैट है मैं अगर सुबह की दिखाता ना हाँ तो वो भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की थी मैंने बंदों को रात को कम से कम 400-500 बंदों को भेजा था उस वाले सागा इनविटेशनल ग्रुप मेरा नंबर भी डाल दे अगर साथ में मैं पर्सनली भेजता हूँ नंबर डाल देता ना मैं कर लूँगा दो लॉबियाँ भरने वाली है मेरी क्योंकि अभी तक एक एक लॉबी के 6-6 बंदे नहीं भर पाए भाई पहले वाले लॉबी के पूरे 6-7 बंदे भरे मैंने बोल मत चल ठीक है अभी गिनता हूँ 4 भरे नहीं 5-6 भरे ओहो आज के व्यूज तो 204 भाई उनमें साथ में साथ वो भी डाल दे अगर साथ में आज के व्यूज सही है डिस्क्रिप्शन में अंडा जब 12 बनने वाले हो ना मेरे को एक बार पूछ लिया अगर भाई कि इसमें तेरे बंदे का तूने ग्रुप तो नहीं दे रखा लो भी भाई जब टीम डिटेल्स मिल जाते हैं ना पहले टीम डिटेल्स डाल दिया करो मैं तभी डालता जब वो बंदा लॉबी में ज्वाइन हो जाता तो ज्वाइन हो जाता तब क्यों डालता है उससे पहले डाल दिया कर ताकि भाई दिक्कत ना हो हाँ बोल हाँ पैसे नहीं है भाई वहाँ से कराऊँ है ही नहीं मैं 50 रुपये भी नहीं है ये नंबर क्यों दे रहा सोल्ड करेगा समझा पहले डिटेल्स डाल देगा तो भाई ये दिक्कत नहीं होगी कि बाद में कोई ज्वाइन हो रहा है तब तो भाई ज्वाइन करने के बाद डालते हो फिर पता नहीं 12-14 टीमें हो जाती है उधर ज़्यादातर मेरे साथ सीन ही होता मैं साथ के साथ डालता हूँ लेकिन तब भी पहले डिटेल्स डाल दिया कर बाद में जब वो बंदा ज्वाइन हो जाए उसके बाद एक्सेप्ट वही करेगा जो जिसका बंदा वो होगा तो हम लोग तो एक्सेप्ट करते नहीं है तुम ही करोगे मैं अपना भी नहीं करूँगा इतना एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नया ग्रुप बनेगा आपको खबर छे तो कौन सा नया ग्रुप बनेगा नया ग्रुप बनाया ना दोनों सारे इस बार तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसमें नहीं करते हैं मैंने अब सारे ग्रुपों में एक्सेप्ट वाला वो ऑन कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि एक्सेप्ट करना जरूरी है क्यों जरूरी है भाई जब वो सीधे सीधे ज्वाइन हो रहा भाई तो क्या ही कमबैक करा भाई लिटरली भाई टाइम वेस्ट करा भाई लिटरली कमबैक कर लिया भाई अब तो
आंसू छुपा के भाई ऐसी चीजें मत देख कर देख रहे हो क्या देख रहा है मिया भाई मिया भी मुझे दिख रहा है कौन देख रहा है इसने भी काफी प्रोग्रेस करी है भाई 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 कौन प्रोग्रेस कर रहा है यो बंदा नहीं वैसे मैंने नहीं कह रहा मैंने तो नहीं कह रहा मैंने तो हर कोई करता है अरे बॉडी में भी कह रहा हूँ मेहनत करी है उसने समय दिन में दिन मेहनत सो के जा रहा है कॉल कर सकता हेलो यार तो विस्टो पहला तेरे को कॉल ही कर रहे बंदे कौन कौन है तीसरा कौन है ये कॉल किस लिए कर रहा है पता नहीं मैं उठा के बोलता हूँ भाई बोल ये पागल हो गई आज भी क्या कर जो मर्जी लगा रही है पता जब से देख यही कर रही है ये देख आज के सस्ते में शक्ल ली आज इनायत पागल हो गई है नीचे वाला ज़्यादा बेस्ट दिया इससे बढ़िया था भाई आज के लिए बस इतना ही भाई लोगों को भी दौरे पड़ते हैं क्या ऐसे में लौटा लौटा अब क्या जी टोन लगा रहा बंद कर भाई तो कितना कोई कुछ कर लेती सब वगैरह और एक क्लोज भी बैठा था भाई अब क्लोज भी लगाई इसको थोड़ा देखिए दिशा जैसी की लग रही है यार ज्यादा रिजल्ट भाई रिजल्ट रात को आएंगे या हो सकता है शाम को आ जाए सिंजो बना देगा तो देखिए दिशा जैसी नहीं अरे यार मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रही अरे नहीं यार हल्का था मोड का यहाँ पर बस नहीं एक भाई दिशा जैसी भाई सरकारी स्पोर्ट्स ने कर दिया काम ये मैंने सुनी इससे कॉपीराइट आएगा वरना मैं इधर उनको सुनाता जागरूक करता अपने ऑडियंस को वो ग्रुप में सुनाऊंगा आज भेजिए जरा आज ग्रुप में भेजता हूँ ये मैं भेज दिया फिर पता क्या भेजे अरे नहीं तो ये मुझे भेजता अभी मैं भेजता हूँ अरे यार ग्रुप में लाइव पर मजा आता है इतना प्यारा बोला तेरे अरे ये इसने नहीं बोला है पता है मुझे हमें दिखा रहा है हम तो देखते ही क्या दूसरे बंदे ने बोला वो पहले भी बोले उसने दो तीन अबे कॉपीराइट क्यों आएगा इस पे भाई किसी और का वो है तो गाना थोड़ी ना है तो कंटेंट तो किसी और का ही है कंटेंट करके हम सिर्फ वही तो वॉइस से सुना रहे भाई सरकारी स्पोर्ट्स ओपी करके देखते हैं यार मुझे नहीं लगता इस पे आएगा कॉपीराइट यार ये देख अपना स्कूल आ जाओ तो क्या जा रहा है कौन ये पढ़ना जाएगा तो सर तो चला भाई क्या है ये भाई क्या बोल रहा है देखो भेजिए ओ भाई लिटरली भाई मजा आ जाएगा सुन के तुम लोग गाइस मैं आज वीडियो डालूंगा ग्रुप में देख लेना इंस्टा पे शेयर करूंगा जस्ट फॉर फन पहाड़ी के आईडी में भेज दूंगा साथ में वो पागल है क्या वो फॉलोअर्स बढ़ाता हूं तेरे आज नहीं बढ़वाने भाई मैं अबे हट आज मैं बढ़वा मेरे पे बहुत कम्युनिटी है और ग्रुप है कम्युनिटी में तो ठीक है आज मैं ना सारे ग्रुपों में शेयर कर पहाड़ी भाई की आईडी सब लोग फॉलो करो कहूँगा ये मैं हूँ यार ये चार घंटे का मिला अभी तो बंद भी नहीं करी है 206 व्यूज देख भी रहा कोई हाँ ठीक है 3 दिन देख रहे हैं ये भाई यार बेइज्जती होगी भाई इसीलिए बोलते जब तक गेम पूरा खत्म ना हो तब तक इतना उछल रहा 1v1 हो जाएगा जीत गई सरकार कहाँ एक राउंड पे थे लास्ट राउंड पे आके जीत गई भाई कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होता चलो भाई पॉपकॉर्न बाय बाय ये बात चलो तो भाई लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के साथ मींस शायद से फन कस्टम की लाइव स्ट्रीम के साथ कब पता नहीं तब तक के लिए बाय बाय।